بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى इन तज तबू कबा तऊ न आन हो नुम सय आति कुम वन उद खिलकुमद करीमा सदीम एक मुसलमान होने की हैसियत से हर एक फर्द इस्लाम की ज़िम्मेदारी है कि वह अपनी ज़िंदगी को बंदगी बनाए क्योंकि पैदाइश का मकसद बंदगी की तकमील है इसीलिए हम इस दुनिया में आए ना खाने के लिए ना कमाने के लिए और ना शादी ब्याह के लिए और ना कारोबार और तिजारत के लिए ना ज़रात के लिए ना मज़दूरी के लिए ना आराम करने के लिए ना ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कोई भी हमारी पैदाइश का, का, का मकसद नहीं है वो हमारे इस दुनिया में क़ियाम की ज़रूरत है वो हमारी पैदाइश का इस दुनिया में क़ियाम का मकसद नहीं है ज़रूरत है एक आदमी को इस दुनिया में रहने के लिए खाना पीना भी पड़ता है सेहत का ख़्याल रखना भी पड़ता है उसके लिए फिर कमाना भी पड़ता है कमाने के लिए तिजारत का ज़रिया है ज़रात का ज़रिया है इजारत और मज़दूरी का ज़रिया है हुनर और पेशे का ज़रिया है तालीम का ज़रिया है वो ज़रा हैं कस्ब के और कस्ब से हमारी जरूरियात ज़िंदगी की तकमील होती है हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी जिसको रिस्क कहा जाता है अल्लाह उसको रिस्क कहते हैं हमारे उर्फ में रिस्क रोटी को कहते हैं लेकिन अल्लाह ताला जिसको रिस्क कहते हैं वो अशियाए माँ यज है एक आदमी ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन चीज़ों का महताज है उन चीज़ों का नाम रिस्क है और वो बुनियादी तौर पर रोटी कपड़ा मकान ये तीन बुनियादी ज़रूरतें हैं इंसान की सारी दुनिया तस्लीम करती है कि इंसानों की ज़रूरत रोटी कपड़ा मकान यानी मकान सम्रा ठिकाना जहाँ वो अपनी बारिश से सर्दी गर्मी से बच सके इसी तरीक़े से कपड़ा जो उसको मौसम की असरात से जिसम को महफूज रख सके और जीनत का काम दे सके तीसरे खाना और वो सबसे नंबर एक पर है खाना पीना भी इंसान की ज़रूरत इसलिए कि ये जिसम जो बनाया गया है चूंकि ये आर्जी तौर पर बनाया गया है इसलिए इसको इसी के मटेरियल से लीप थोप करते रहना पड़ता है मट्टी से बना है और मट्टी ही से कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने शक्लें बदल बदल के दे दी हैं ताकि इंसान उगता ना जाए कि मट्टी खाते रहो मट्टी खाते रहो तो उससे उगता जाएगा इसलिए मट्टी ही खिलाने के बजाय मिट्टी को ग्रेन बना करके मिट्टी को फ्रूट बना करके मिट्टी को सब्जियां बना करके अल्लाह ताला ने खिलाया है हमको करम ना बनी आदम बनी आदम को हमने इज़्ज़त दी है अगर इज्ज़त अल्लाह ताला ना देना चाहते तो अल्लाह इज्जत ये फरमाते कि देखो तुम लोग मिट्टी पानी से बनाए गए हो मिट्टी भाग लिया करो पानी पी लिया करो तो काम भी कम रहता हमारा बहुत कम वक्त में सारे मसले हल हो जाते न कमाना पड़ता ना दमाना पड़ता किसी चीज़ की ज़रूरत न होती लेकिन ये भी तकरीम है अल्लाह ताला की कि जानवरों से तो कहा भाई जहाँ सबजा दिखे चर लो और हमसे कहा कि नहीं आप लोगों के लिए आला दर्जे की चीज़ दी जाएगी इज़्ज़त अफजाई के साथ दी जाएगी सिद्दीक़ आयशा रजी अल्लाह तक के यहाँ एक साइल आया तो उन्होंने अपनी ख़ादमा से कहा वहाँ खजूरें रखी हैं दो चार खजूरें इसको दे दो तो वो खजूरें लेके चला गया फिर थोड़ी देर के बाद कोई साहिल आया और उसने भी कुछ तकाज़ा किया तो हज़रत आयशा ने ख़ादिमा से फ़रमाया ज़रा वहाँ दस्तरखान रख दो उस पर खजूरें रख दो उनसे कहो कि खा ले अंदर आके नहीं? तो दोनों अलग अलग सलूक थे एक ही वक्त में दो मंज़र खादिमा ने देखे थे तो खादिमा ने उनसे पूछा कि अम्मा जान एक आदमी को वहीं बाहर से दे के आपने बढ़ा दिया एक आदमी को बुला के एजाज़ के साथ खिलाया तो हज़रत आयशा रजी अल्लाह फरमाया, अमराना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल सल्ह वसलमा हमें हुजूर ने हुम दिया है कि लोगों से उनके मरतबे के हिसाब से मामला करो जो पहले वाला शख्स था वो पेशावर भिकारी है उसको कोई तकलीफ़ नहीं हुई दे देने से बल्कि वो तय तो चाहता था ले लिया आगे बढ़ गया वो तो बैठने भी तैयार नहीं होगा तो उसके लिए ये कोई ख़िलाफ़ कराम बात नहीं थी कि वहीं से दे के रुख्सत कर दिया लेकिन ये जो दूसरा वाला आदमी था ये भिकारी नहीं है भूख की ज़रूरत से सवाल किया है अगर हम इसको इस तरह देते तो उसका दिल दुखता दिल आज़ारी होती और उसको बड़ी बेइज्जती महसूस होती कि आय हाय ऐसा दिन आया है कि मांग के खाना पड़ रहा है तो इसलिए हमें हुक्म है कि हर आदमी के हिसाब से मामला किया जाए हर आदमी के हिसाब से बहुत बड़ी आलिमा हजरत आयश रजी अल्लाह ताल इतनी फ़हम तो मर्द साहबा के पास भी नहीं थी जितनी फ़हम हज़रत आयश रजी अल्लाह ताल के पास थी और यही वो हकीकी बुनियाद है जिसकी वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनसे कम सीनी में निकाह फरमाया ये हकीकी बुनियाद है ज़रूरत कुछ भी नहीं थी हजूर को शादी वादी करने की उस ज़माने में लेकिन हजूर आल ने नहायत अहम वजह से किया ये बात थी कि जो फहम दीन की हजरत आयशा को अल्लाह ताला ने दी थी ये नबी की बातों को समझने की फहम आम लोगों को हासिल नहीं हुई दूसरे सहाबा में अकाबिर में चंद को छोड़कर इतना इतनी फहम दीन की किसी और को हासिल नहीं थी जितनी हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताली पता चला कि जब हम बंदों को अपने जैसे बंदों के सिलसिले में हुक्म मिला है कि उन लोगों की मर्तबे और हैसियत के एतबार से उन्हें इज़्ज़त दी जाए तक्रीम की जाए लेकिन अल्लाह ताला हमारे बारे में फरमा रहा है कि लकद करमना बनी आदम हमने बनी आदम को बहुत इज़्ज़त दी बहुत इज़्ज़त दी बनी आदम को व हमल ना हम बहर और हमने उनको खुशकी व तरी हर जगह गुजरने पर कुदरत दे दी है वज़क़ ना हम तयबात और हमने उनको पाकिज़ा चीज़ों की रोज़ी दी जो चाहे खा लो इसकी इजाज़त नहीं दी बल्कि जो अल्लाह के इल्म में एक शरीफ इंसान के वास्ते अच्छी चीज़ें थीं मुनासिब चीज़ें थीं वो दी तयब तो और ख़बीसात तो ये पाक को कहते हैं और उसका बिल्कुल मुखालिफ लफ्ज़ ख़बीस है। गंदे और नापाक को कहते हैं ये चीज़ गंदी है और ये चीज़ नापाक है और ये पाक है इन बकरी पाक है और कुत्ता और सुअर नापाक है तो हमें क्या पता हो हमें तो वो भी एक चार चार पैर वाला जानवर दिख रहा है वो भी एक चार पैर वाला जानवर लेकिन उसके पैदा करने वाले को मालूम है कि इसमें उसने क्या रखा है इसमें उसने क्या रखा कि है किसी चीज़ में खूबियां हैं अल्लाह ने उसको खाने की इजाज़त दी किसी चीज़ में अल्लाह ने अपनी हमत से खराबियां रखी हैं अल्लाह ने उसको खाने से मना फरमा दिया है लेकिन तहकीर आप सूअर की भी नहीं कर सकते कुत्ते को भी हकीर नहीं समझ सकते क्योंकि वो अल्लाह की हमतों से पैदा हुआ है हम अल्लाह की हमत को बुरा कैसे समझें अल्लाह की हमत को बुरा नहीं समझ सकते अल्लाह की मखलूक को बुरा नहीं समझ सकते लेकिन अल्लाह ने उसे खबीस बनाया हमारे हक़ हाँ। लिहाजा हम उसको खा नहीं सकते ऐसे ही पीने की चीज़ है किसी के सामने अंगूर का शरबत रखा हुआ है और किसी के सामने उसी शरबत के शराब बन जाने के बाद शराब रखी हुई है अंगूर के शरबत से शराब बनाते थे और चीज़ों से भी बनती है इससे भी बनाते थे और अब तो जब जूस था तो अल्लाह फरमा रहे हैं हलाल है कोई तो बात में से है पियो शौक से अल्लाह का शुक्र अदा करो और जब वो उसके मखसूस तरीक़े से कि उसको हवा से रोक दिया जाए हवा उससे रोक दी जाए तब फिर उसके अंदर उबाल और सड़ान पैदा होती है खटास पैदा होकर वो शराब बनती यानी खटास पैदा होने से पहले वो शराब बन जाती है क्योंकि उस ज़माने में उसमें आ जाता है नशा तो जब नशा आ गया तो शराब उसका नाम हो गया तो फरमाया आप एक कतरा का हाथ नहीं लगा सकते इसका एक कतरा एक बर्तन भर पानी के अंदर गिर जाए तो वो पानी बिना पाक हो जाए अब उसके बाद उसी शराब को इस तरह महफूज तरीक़े से रखा गया जो उसका तरीका होता है तो उसमें खटास पैदा हो गई और नशा खत्म हो गया झाग उतर गई खटास पैदा हो गई तो अब इसको सिरका कहा जाता है ये सिरका हलाल है न सिर्फ हलाल बल्कि मसनून गजा है हजूर अक्रम सला ने फरमाया जिस दस्तरखान पर सालन की जरूरत नहीं तो एक चीज है जिसके तीन पहले मरहले में ये हलाल दूसरे मरहले में हलाल दरमिया मरहले में हराम तो हम कहें ये क्या तमाशा है कैसे हम एक ही चीज़ को हलाल हो रहा है फिर हराम हो रहा है फिर हलाल हो रहा है कैसे हम उसको तो इसका जवाब यही है कि इसके पैदा करने वाले को मालूम है कि इस कैफियत में इसमें फ़ायदे हैं इस कैफियत में नुकसान है अगर आप जूस पी लें अंगूर का तो आपकी तबीयत में निशात पैदा होगा और अगर आप शराब पी लें अंगूर की तो आपकी तबीयत के अंदर निशात के बजाय सुस्ती काहली और गफलत पैदा होगी तो जो चीज़ अल्लाह ने हलाल की वो सेहत के लिए मुफीद है और सेहत इस दुनिया में बंदगी का फरीजा अदा करने के लिए जरूरी है इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हमारे लिए तयबात बनाया है उसे खाओ पियो और जिन चीज़ों को ख़बीसात बनाया है उसको मत खाओ पीओ कौन सी चीज़ तयब है कौन सी खबीस है ये अल्लाह के नबी बताते हैं अल्लाह ताला ने उन्हें इसका मामूर बनाया है और अल्लाह ताला ने अपने इल्म से उनके इलम को जोड़ दिया है वो नबी से वो अल्लाह से इल्म पाकर कहते हैं उनको कुछ क्या वो भी दुनिया में दूसरों की तरह पैदा हुए उनके पास कुछ नहीं है वो जो कुछ भी कहते हैं अल्लाह से इल्म पाकर कहते हैं अल्लाह उनको इल्म देता है तमाम ररीबा नबी के लिए भी ग़ैब है लेकिन चूंकि वही का रिश्ता जुड़ा हुआ है तो जितने ग़ैब पर अल्लाह ने उनको मुतला किया है उतने ग़ैब से वह हमको बाखबर करते हैं हम वो भी नहीं जानते जो गैब नबी को बताया गया हाँ हमें वो भी नहीं बताया गया हमारा ज़रिया नबी है और नबी का ज़रिया इल्म वही है और वही अल्लाह के पास से आती है इसलिए वो जो कहते हैं अल्लाह की तरफ़ से कहते हैं इसलिए हजूर आलतम के बारे में अल्लाह ताला ने मजीद में फ़रमाया है कि एक ऐसे नबी तुम्हारे तरफ़ मरूस किए गए हैं الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يها इहलाल और अहराम की नस्बत नबी की तरफ की गई है लेकिन हलाल और हराम करने का हक नबी का नहीं अल्लाह ही का है लेकिन नस्बत नबी की तरफ की गई है इसलिए की गई है कि वही सुनाते हैं तो तुमको पता चलता है वही बताते हैं तो तुमको पता चलता है लेकिन वो अपनी तरफ से नहीं कोई हलाल करते हैं अपनी तरफ से कोई चीज हराम नहीं करते हैं तो हजूर सलात सलाम से हमें पता चलता है ये हलाल है या हराम है अब आप कह सकते हैं कि भाई बहुत से लोग जो खदीसात खाने के आदि हो गए हैं वो भी सेहतमंद हैं जैसे यूरोप के लोग हैं उनकी असल गजा तो खजीर का गोश्त है और शराब है चौबीस घंटे ये असल उनकी गजा है और चीजें तो बस वो वैसे ही खाते हैं लज्जत के तौर पर जैसे कभी कभी आप खा लेते हैं कोई चीज अचार चटनी वैसे उनकी है और चीज़ें असल जो ग़ा है वो खंज़ीर का गोश्त है और शराब हैं तरह तरह की ये उनकी हैं ये ग़ा उन्होंने खा रहे हैं और सेहतमंद हैं वह अक्सर बन रहे हैं बड़े बड़े खिलाड़ी बन रहे हैं बड़े बड़े पहलवान बन रहे हैं और खा वही रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई इससे भी उनको सेहत मिली इसका जवाब ये है कि ये जो सेहत उनको मिली हुई है ये सेहत अल्लाह ताला का इनाम नहीं बल्कि ये अल्लाह ताला का इब्तिला है अल्लाह ताला की आज़माइश है क्योंकि अल्लाह इज़्ज़त हराम के ज़रिए जिन लोगों को सेहत दे रहे हैं वो अल्लाह ताला के रिजेक्टेड बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ने गुमराह कर दिया अब उनके लिए वही रोज़ी है वही गंदगी खाओ जियो बस यही रोज़ी है लेकिन जब तुम कहोगे आमन तो ही व रसुली ला अला तो ये अल्लाह ताला के मकबूल बंदे हैं, एक्सेप्टेड बंदे हैं अल्लाह के। ये कबूल हो गए जब ये कबूल हो गए तो अल्लाह फरमाएंगे तुम शाही मेहमान हो तुम्हारे लिए गंदी चीज़ें नहीं है तुम्हारे लिए तो, ये तो ये है तुम आला दर्जे की चीजें हैं यहाँ भी और वहाँ भी नज़ुल अमिन गफूर रही मैं नहीं तुमको गंदगी खाने दूंगा मैं तुमको और मेरे मेहमानों को उमदा चीज खेला कोई अपने मेहमान को सड़ा हुआ खाना पेश करता है नहीं अपने मेहमान को और एक ही चीज की कई किस्में तैयार कर ली जाती सब मिला के जो खाने की चीजें हैं फहरिस्त बनाओ तो चंद चीज़ें बनेगी सब मिला लेकिन जब उनको पकाने की फेहरिस्त बनाओ तो सैकड़ों में हो जाएगी अल्लाह ताला ने ही सिखाया कहते हैं अमेरिका के अंदर आलू की सत्तर डिशें बनती हैं जो तो आलू ज्यादा खाते हैं उसकी सत्तर डिशें बनती हैं हमारे यहां भी कितने हिसाब से एक ही चीज मिठाई की दुकान पे जाओ सब वही घी आटा और शकर है अब उन्होंने उसको कितने टाइप में बना दिया है कि कभी आदमी कहता ये लें वही होता है कभी कहता नहीं नहीं ये खाएंगे तो वो होती वही है हकीक़त सबको ये लोग शक्लें बदल बदल के उसे काबिल कबूल बना देते हैं ज़्यादा बिक्री हो जाती वो इस वजह से कि दुकानदार भी ये सोचता है कि इंसानी नजर वो तनवा को चाहती है लिहाजा तनो यानी किस्म किस्म की चीज़ें बनाओ तो इंसानी नज़र इंतखा करती पसंद करती है अल्लाह ने भी इसी वजह से सेब बनाया केला बनाया जाम बनाया मोज़ बनाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सपोटा बनाया चीकू जिसको कहते हैं और कितने फ्रूट हैं क्या तो वजह से मिठाई वाले के पास सिवाय आटा और ए, जो है दूध शक्कर बस और कुछ भी नहीं जो अल्लाह ताला ने बनाया है हमारे लिए इस कायनात में हकीकत सबकी मट्टी और पानी सेब क्या है तो मट्टी पानी है केला क्या है तो मट्टी पानी है सब्जियां क्या है तो मट्टी पानी है चावल गेहूं जवार क्या है तो मट्टी पानी है किसी चीज के पीछे जाओ तो पीछे आपको मट्टी पानी मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा तो तनवा क्यों पैदा किया अल्लाह ताला ने इकराम में दाखिल है तनो इकर में दाखिल है आप रोजाना दो ची दो चार चीज़ें रोज़ बनती हैं घर में खाते रहते हैं आज मेहमान है आ गए तो तनवा पैदा होता अल्लाह ताला भी अपने बंदों के वास्ते अवला तो सारे ही बंदों के वास्ते करम ना बनी आदम सबकी तकरीब अल्लाह ने कर दी अपनी तरफ से और उनके लिए पाकिजा हलाल कर दिया और ख़बीस को हराम कर दिया अब बंदों ने नई इख्तियार किया तो वह उनकी बात है लेकिन अल्लाह ताला ने ती हजूसम ने खाब मराज में देखा था कि एक हांडी में ताज़ा गोश्त रखा हुआ है साफ सुथरा पका हुआ और एक हांडी में सड़ा हुआ रखा हुआ है बदबू आ रही है सड़ा हुआ गोश्त कुछ लोग बैठे हुए हैं वो अच्छा ताज़ा बना हुआ गोश्त नहीं खा रहे हैं वो सड़ा हुआ गोश्त खा रहे तो ये है बंदों का इख्तियार अल्लाह ने आलम मिसाल ने नबी को बताया मैंने तो सबके लिए तयब तो को हलाल किया था और ये लोग खबीसात में पड़े हुए हैं चाहे वो शहबत बतन हो चाहे वो शहबत शर्मगा हो यानी पेट की ख्वाहिश से कर रहा है शर्मगाह की ख्वाहिश से कर रहा है कर रहा है इख्तियार दे दिया है बंदे को मजबूर नहीं कर दिया कि तुमको पाकिजा ही खाना पड़ेगा और दूसरा कोई मुंह में रखोगे तो निकल जाएगा बाहर वापस तो आजमाइश कहाँ होती बंदगी का इम्तिहान नहीं हो सकता था दो चीजों में इख्तियार दे के किया जाता है इसलिए इम्तिहान के लिए अल्लाह ने हलाल हराम करके इख्तियार सबका दे दिया ऐसा नहीं कि ये नहीं खा सकते है। खा सकते है। ही सकते हज़रत आदम आसलातम को एक दरख्त से खाने से मना किया मगर वो दरख़्त को लिए उनके दिल में अगर अल्लाह ताला नफ़रत डाल देते अगर अल्लाह ताला उनके दिल के अंदर उस उससे बौद और दूरी डाल देते तो वो जाते भी नहीं खाते भी नहीं लेकिन इम्तहान कैसे होता इम्तहान होता इसी तरीके से इसलिए अल्लाह ने बता दिया ये हलाल ये हराम ये हलाल ये हराम हो सकता है उस हराम में हमारे लिए कोई नुकसान भी नहीं होगा लेकिन इम्तिहानन तो करना ही पड़ेगा कुछ चीज़ों को हराम इसलिए अल्लाह ताला ने इम्तिहानन कर दिया लेकिन जब दुनिया वाले जिन्हें अल्लाह ने ज़्यादा समझ दी है चाहे मान भी न दिया हो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया और तहकीक की तो उन्हें पता चला इस्लाम में जो चीज़ें तयबात तो हैं वो वाकई इंसानी सेहत के लिए मुफीद है और जिन चीज़ों को इस्लाम ने खबीसात करार दिया है वो वाकई इंसानी सेहत ही के लिए नहीं इंसानी अखलाक को भी नुकसान पहुँचाती इंसानी सिफात को भी नुकसान पहुँचाती है ये उन्होंने रिसर्च किया तहक़ीक किया हमको तो ज़रूरत नहीं है किसी रिसर्च की हमको हमारे नबी की खबर काफ़ी उन्होंने कहा यह तयब है तो हमारे नज़दीक हंड्रेड परसेंट मुफीद है उन्होंने कहा यह खबीस है तो हमारे नज़दीक हंड्रेड परसेंट मुजिर है वो वो ईमान वाली बात है चूँकि हमारे पास ईमान है तो इसलिए हमें दलीलों की ज़रूरत नहीं है हमें किसी चीज़ के हलाल और हराम होने की वजूहत के इल्म की ज़रूरत नहीं काफी है ईमान हम काफ़ी है हम ईमान लाए हैं एक ऐसे सच्चे पर जिसकी सच्चाई में ज़रा बराबर शक शुबा नहीं किया जा सकता लिहाजा वो जो कहता है काबिल क़बूल है वो जो कहता है हमारे लिए काबिल अमल है तो मैं आपको ये बात बता रहा था कि देखो इस दुनिया में हम लोग आए हैं सिर्फ आजमाइश बंदगी में पूरे उतरने के वास्ते मेरा बंदा बंदा बनकर बताता है या नहीं यही मकसद है बाकी और जितनी चीज़ें हैं ना जिनमें हम लोग मसरूफ़ हैं वो हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं वो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है और कायदा है कि जरूरत तो तकदर वरूरत जरूरत 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 के हिसाब से उसकी मकदार जायज होती है तो जितनी जरूरत है कस्ब माश के लिए और कस्बे वसाइल के लिए इतना टाइम तो इसमें लगाओ माँ बाकी किसमें लगाओ जिस काम के लिए आए जैसे मैं मिसाल देता हूँ समझाने के लिए कि किसी कंपनी ने अपने कारिंदे को कनाडा भेजा अमेरिका भेजा जर्मनी भेजा भेजते हैं कंपनी से लोग भेजते हैं फला जगह जाओ वहाँ जाके कुछ काम देकर उनको भेजते हैं टिकट भी वही बुक करते हैं टाइम भी वो निकलने का वही बताते हैं वक्त भी वही तजवीज़ करते हैं फलां तारीख़ को जाओगे और फलां तारीख को, को वहाँ से आपका वापसी की फ्लाइट होगी और इतने दिन रहना है रहने के लिए बिल्डिंग भी वही बुक करते हैं खाने वाने का भी इंतज़ाम कंपनी करती है अक्सर जो अच्छे दर्जे में होते हैं लोग उनको वहाँ भेजते सब इंतज़ाम कंपनी करके सिर्फ आपको जाना है और ये काम है यह काम कर लेना है वहाँ पर और गुंजाइश भी रखते हैं कि जिस काम के लिए भेजा जा रहा है रोज़ाना इतना वक्त लगाने से यह काम हो जाएगा अब बाकी वक्त है आप आराम करें खाएं पीएँ अगर वहाँ कोई तफरीगा है तो जाएँ देखें मना नहीं हमारी तरफ से अगर रिश्तेदार हैं तो मिल लें हमारी तरफ़ से मना नहीं ये काम करना है इतने दिन के लिए जाना है ये फ्लाइट से जाएंगे ये फ्लाइट से वापस आएंगे ये होटल में ठहरेंगे ये सब उनका सिस्टम बना के दे दिया अब ये निकला वहाँ गया वहाँ जाते ही दोस्तों को फ़ोन किया दोस्त आने लगे रिश्तेदारों को बुलाना शुरू किया वो लोग आने लगे और फिर वो लोग जो है कहीं खाना खिलाने ले जा रहे हैं कहीं तफरी कराने ले जा रहे हैं कहीं पार्क दिखा रहे हैं कहीं पिकनिक करा रहे हैं कहीं ये कर रहे हैं कहीं वो कर रहे हैं और देखते देखते वो जो काम लेके आया था वो काम ही नहीं हुआ सब इन्हीं कामों के अंदर टाइम जा रहा है उसका सब और आएन वक्त पे याद आया कि अरे भाई मैं इसलिए थोड़ी आया था मैं तो आया था कंपनी के काम से ये काम अभी तक गया ही नहीं मैं अभी जाकर रब्ता भी नहीं किया अप्रोच भी नहीं हुआ कुछ काम हुआ भी नहीं क्या करूं तो हैरान होगा परेशान होगा लेकिन उसकी वापसी का टाइम हो गया है उसे वापस ही होना होगा वापस होगा जिस काम से भेजा गया था वो काम नहीं किया और जिन कामों की इजाजत दी गई थी कि वक्त मिले तो कर लो तो उसी के अंदर लगा रहा और उसी के अंदर लग करके वापस आया तो सस्पेंड कर दिया जाएगा और अगर काम अच्छी तरह से निपटा के आया आइंदा इससे और काम लिए जाएंगे और फिर उसके बाद उसकी तरक्की होगी उसका उसकी तनख्वाह बढ़ेगी उसका ग्रेड बढ़ेगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा तो अच्छा काम करने वाला आदमी है कहना मानने वाला आदमी है और अच्छा अच्छा फरमाबरदार है और एक आदमी गया था तो उसने सबसे पहले किसी को नहीं खामोश गया और जा करके उसने कहा पहले अपने काम कर लो जो ज़िम्मेदारी दी गई थी मालिक की तरफ से कंपनी की तरफ से उसके लिए फिक्रमंद रहा फिक्रमंद रहा और वो काम उसके होते रहे और उसके काम करते हुए जो वक्त उसको शाम में बच जाता औकात के बाद बच जाता अब कल ही होना है तो इसमें किसी दोस्त से रबता कर लिया इसमें किसी रिश्तेदार से मिल लिया इसमें कहीं जा के खाया कहीं के। चलो थोड़ी बहुत ख्वाहिशात भी पूरी कर ली ये आएगा तो इसका एज़ाज़ होगा इसका इकराम होगा इसको कंपनी और ज़्यादा एतमाद और भरोसे का आदमी बनाए ये होता है ये एक हिस्सी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ हमें भी अल्लाह रब्बुल रब्ज़त ने एक फ़्लाइट बुक करके भेजा है एक फ़्लाइट बुक करके रख दी है वापस जाने के वास्ते और उसकी डेट तय है और अल्लाह ताला ने दुनिया में रहने के लिए हमारे लिए सब इंतज़ाम कर दिया है जिस जिसको जिस ग्रेट का समझा उतनी रोजी उसके लिए लिख दी है उसके लिए उतनी ज़रूरियात ज़िंदगी सब तय कर दी है सब कंपनी बैर कर रही है और हमें यहाँ भेजा गया है बंदगी करने के वास्ते ये फ़र्ज़ है अब इसके बाद शादी भी करो बच्चे भी पैदा करो उनसे आंखें ठंडी करो कारोबार भी करो बाग़ात भी बनाओ मकानात भी तामीर करो सवारियाँ भी ख़रीद लो ये सब इसके बाद इस काम को करते हुए ये सब भी कर लो हालांकि वो तुम्हारी टम्परवरी चीज़ें हैं सब सब छोड़ के वापस ही आना है लेकिन कर लो अगर करना चाहो तो मगर मेरा काम करने के बाद कंपनी का काम पहले करना है इसलिए एक आदमी कहते तो साहब नमाज छूट गई क्यों छूट गई तो नहीं ज़रा काम वाम बहुत थे तो कौन से काम थे वो जो काम आपको सिर्फ जवाब के दर्जे में दिए गए थे और जो काम आपको असलन करना था वो कौन सा था इसलिए पहले नमाज पढ़ी जाएगी फिर वो काम किया जाएगा फरीजत फरीजतः अल्लाह के फरीजे के बाद इसके बाद कस्बे हलाल है उससे पहले नहीं है और उसके मुकाबले पर भी नहीं है इसलिए इसमें कोई समझौता नहीं इसकी तकमील करते हुए तुम कस्बे हलाल करो। यानी करने की इजाज़त मिलती वो छोड़ो दूसरा है वह अर्जुल्ल वा इन नमाई विरुना जरूम अल्लाह की जमीन बहुत वसी है कहीं भी मिलेगी रोजी कोई मिल जाएगी भाई कंपनी में नहीं मिलती ऑफिस में बैठ के नहीं मिलती तो गड़े खोद के कमा लो दीवारें उठा के कमा लो इलेक्ट्रिशन बन के कमा लो ए सी टेक्नीशियन बन के कमा लो मोटरसाइकिल मैकेनिक बन के कमा लो कारपेंटर बन के कमा लो चूना डालने वाला बन जाओ बेइज्जती तो नहीं है कोई चीज़ बेइज्जती इज़्जती नहीं हर हुनर हर पेशे में अल्लाह ने रोजी रखी जहाँ से मिल जाए वहां से करो ये क्या मजबूरी है के पेट के खातिर रिस्क के खातिर वो रिस्क जो अल्लाह ने अपने जिम्मे ले रखा है उसकी खातिर अल्लाह के फरीजे को तर्क कर दे वो फरीजा जिस पर ईमान डिपेंड करता है नमाज उसको छोड़ दे क्यों भाई कॉलेज की वजह से छुट जा रही क्यों भाई ट्यूशन की वजह से छुट जा रही क्यों छूट रही भाई नौकरी की वजह से छुट जा रही कंपनी में इजाजत नहीं है ये नहीं है वो नहीं है तो वो असल है या ये असल है ये फर्क हम नहीं कर पाते इसी वजह से उज्र समझ लेते हैं उसको आपको पहले यह तय करना चाहिए बेहसीत मोमिन मेरी इस ज़िंदगी में आने का असल मकसद क्या है बहसीियत मोमिन असल मकसद क्या है ये है बाजौमा ने जिंदगी के मकसद को मुतिन करने में गलती की दुनिया में जो इस्लामी फ़िक्रें हैं उसमें जो तजाद है एक तजाद ये भी कि किसी मुफकर ने बड़े स्कॉलर ने ये कहा कि ज़िंदगी का जो मकसद है वो मकसद अल्लाह के कानून को नाफिस करना ज़मीन के ऊपर बहसी खलीफा हुक्मरानी करना मुसलमान ये ज़िंदगी का मकसद है हुक्मरानी करे क़ानून इलाही को नाफिस करे अल्लाह के बंदों के ऊपर ये ज़िंदगी का असल मकसद है और नमाज रोज़ा ज़क़़़़़ हज कुर्बानी वगैरह वगैरह वो उसका ट्रेनिंग कोर्स है तो चूँकि जिहाद के बग़ैर हुक्मरानी हाथ में नहीं आएगी किसी मुल्क को फ़तेह नहीं कर सकेंगे उसकी हुकूमत ले नहीं सकेंगे अपने हाथ में तो कहते कि के मुसलमान की पैदाइश का मकसद जिहाद सभी ला है और बाकी जितनी इबादतें दी गई हैं उसे मुजाहिद बनाने का ट्रेनिंग कोर्स है ये ट्रेनिंग कोर्स कंपलसरी है ये करेगा तो मुजाहिद बनेगा मुजाहिद बनेगा तो मकसद हयात हासिल होगा लेकिन महक्ा ने मुहद्दिसीन ने फा ने और मतकदम ने सहबा ने तब ने सब ने यह कहा है कि मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की बंदगी है नमाज रोज़ा ज़क़़्त हज क़ुरबानी वगैरह सब ये मकसूद हयात हैं ज़िंदगी का असल मकसद हैं और जिहाद इस मकसद को पूरा करने के लिए सहूलत पैदा करता है इसलिए वो इसका खादिम है और ये उसके खादिम नहीं असल मकसद बंदगी है व माँ खलकुलजन्नवल इन आबुदून माँ उरीदू मिन हम मिर व माँ उरीद्यों तयमून युत्वीमून। अयो तयमोनी मैं नहीं बोल रहा हूं कि बेटा आप तुम बड़े हो गए हो कमा के मुझे खिलाओ मैं तुमसे नहीं चाह रहा हूं कि तुम मुझे खिलाओ पिलाओ और मैं नहीं चाह रहा हूं कि तुम रिस्क रोटी में लगो मैंने इसलिए पैदा किया है कि तुम मेरी बंदगी करो मेरी इबादत करो इसके लिए मैंने तुमको पैदा किया है तो मेरे अजीज़ों दोस्तों प्यारों ज़िंदगी के मकसद को पहचानो जब तक आदमी मुतिन नहीं कर लेगा कि मैं क्यों जी रहा हूँ जितने दिन भी अल्लाह ताला ज़िंदगी दिए हैं वो मैंने आपको बता दिया कि एक फ़्लाइट से आए हो एक फ़्लाइट रेडी है ले जाने के वास्ते तैयार और और जो है डेट बुक है टाइम भी बुक है सब निकुल्य शई इन अजल मुसम्मा, अजल कहते हैं आखिरी वक्त को किसी भी चीज़ के आखिरी टाइम को अजल कहते हैं। कहतेम लायस्त आखिर आता हूँ तकदिमोन लायस्त आखिर आता हूँ अलाय तकदिमोन एक दफ़े हम दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँचे तो पाँच मिनट तखीर से पहुँचे थे वो काउंटर बंद हो गया लेकिन अभी लोग बैठे हुए थे काउंटर पे उठ रहे थे हमने कहा भाई दो चार मिनट इधर उधर ट्रैफिक में दिल्ली की ट्रैफिक है तो बहुत मुश्किल हो गई दो सौ किलोमीटर से यहाँ पहुँचे हम एयरपोर्ट थोड़ा ताखिर हो गई और दे दो बोर्डिंग पास लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं हमने काउंटर क्लोज कर दिया है नहीं दे सकते देना आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं है आप लोग तो पर्चे पर लिख के भी दे दो तो हो गया आ तो गए हैं टिकट तो बना हुआ है अभी फ्लाइट में कब टाइम बाकी है हमें जाना है तो बोले नहीं है नामुमकिन नहीं हो सकता ठीक है एक साथी निकल गए एक साथी को रुक जाना पड़ा क्योंकि बोर्डिंग निकाल ली नहीं थी ऑनलाइन निकल नहीं सकी एक की एक की निकल गई थी तो बोले वो चले जाओ जिसकी नहीं निकली वो नहीं जा सकता दूसरी फ्लाइट से टिकट बना करके दूसरा टिकट बना करके के पाँच मिनट की तखिर का खमियाजा भुगतना पड़ा अगली मरतबा ज़रा एहतियातन पहले ही पहुँच गए सुबह जल्दी निकले और वहाँ पहुँच गए वक्त पे पहले ही पहुँच गए वहाँ कहीं बैठने की जगह ही नहीं है बोर्डिंग लेके अंदर जाके ही बैठ सकते हैं तो बोर्डिंग मांगा तो उन्होंने कहा एक टिकट पर दो सौ एक्स्ट्रा होंगे जल्दी आने की वजह से समझे तो भी क्या मुसीबत है भाई ये तीन आदमी थे छः सौ रुपये देकर टिकट लेकर अंदर जाना पड़ा तो ये अल्लाह ताला समझा रहे हैं जलु लायस्त खिरतन वलायस्त तकदीम जल्दी भी नहीं निकल सकते देर से भी नहीं निकल सकते टाइम ही पर जाना पड़ेगा जी नहीं इसमें भी तुम्हारे हाथ में नहीं ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं अल्लाह पाक ने इस तरीके से हमारा वक्त मुक्र कर दिया है लम्हा भर इधर नहीं लम्हा भर उधर नहीं बस एन उसी वक्त तो कहते हैं कि सैदुना दाऊद अला नबी ज नाबाद सलातम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह पाक वो मलकुल मलकुलमौत जो है वो किसी के पास भी सडनली आते हैं तो अगर हमको कुछ बोलना कहना सुनना हो तो टाइम ही नहीं होता बिल्कुल एक दफ़े मलकुल मलकुलमौत को मेरे पास वैसे ही भेज दीजिए आप जना मैं उनसे कुछ बात कर लूँ तो पैगम्बर की दुआ थी और जो फरमाइश नबियों की होती है वो रद्द नहीं होती अल्लाह अपने और नेक बंदों के साथ भी ऐसा करता है वो तो हम भी आए तो अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा आज आ जाएंगे वो किसी वक्त आपसे मिलने के लिए एक दिन आ गए मलकुल मौत तो उन्होंने कहा रो निकालने आए हो या मिलने आए हो डर तो लगा है जब आए घर बस आके आते ही रूह की बात होती है पहले एक ही बात होती है दूसरी कोई है ही नहीं उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो वक्त आपका हुआ नहीं है मैं वैसे ही आ गया हूँ कि आप किसी हो जाए मुलाकात हो जाए कहा अच्छा ठीक है मुझे आपसे एक बात कहनी चाहिए कि तुम बहुत अचानक आते हो समझने का मौका नहीं देते हो मुझे ज़रा पहले से ख़बरदार करो जब मेरा टाइम आ जाए वो हमको तो बताया नहीं जाएगा तुम्हारे को बताया गया है तुम ही जानते हो मलकुल मौत की मेमोरी में फीड कर दिया अल्लाह ताला ने बस वो जैसे जो, जो चीज़ें फीड होती हैं ना वो खुद ब खुद अचानक हो जाती हैं किसी के करे बग़ैर अब वो फ़ौर ही उनके पास अल्लाह ने लगा रखा है बस ये वक्त आया आते आते सेकंड पे रु कब्ज़ हो जाएगी ख़त्म अ रु कब्ज़ हो गई उन्होंने कहा जरा थोड़ा मुझे इतला कर दो पहले उसके बाद तुम आओ तो उन्होंने कहा इनशाला मैं आपके पास तीन कासिद भेजूंगा उसके बाद आऊंगा आप इतमान रखिए ठीक कोई गुनाह करने के लिए तो नहीं सोच रहे थे पैगंबर थे वो मासूम अनिल ख़ता थे लेकिन रजूअल्ला का मोहलत चाहते होंगे कोई ख़ास ऐसी मोहलत चाहते होंगे मुनासिब वक्त तैयारी और अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए काम सब करें वसीयत करने का मौका मिल जाए सब ये हमतें होंगी उनकी अब वो एक दिन आ गए मलकुल मौत किसी को भी नहीं भेजा आ गए कहा मिलने के लिए आए हो या रूह निकालने के उन्होंने कहा रूह निकालने के लिए अरे वो तुम भूल गए तुमने कहा था कि भाई मैं तीन काशिद भेजूंगा तो कहने लगे भेज तो दिया था नहीं मुलाकात हुई आपसे भेज तो दिया था मैं कहा कोई तो नहीं आया तुम्हारी तरफ से मेरे पास तो कहा कि सियाह बालों का सफेद हो जाना वो मेरा पहला कासिद था जब आपके बाल सफेद हो गए आपको समझना चाहिए था कि अब मलकुल मौत आने वाले हैं तो आप उस कासिद को तो भेजा था मैं और ताकतवर जिस्म का कमज़ोर पड़ जाना यह मेरा दूसरा कासिद और सीधी कमर का टेढ़ा हो जाना यह मेरा तीसरा कासिद था मैं तो भेज चुका था और उसके बाद मैं आ गया तो गोया अल्लाह तबारक को तला हमें यह सबक दे रहे हैं कि भाई इनकलाबात जहां वाइज रब हैं देखो हर तगैर से आती है सदा फफ हम फफ हम समझो 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 समझाने वाला समझा रहा है ज़ात में तब्दीलियां लाकर और माहौल में तब्दीलियाँ लाकर समझा रहा है अल्लाह सनूरी हिम आया नाफिल फिलफा के वफ़ी अनफी हम अन करीब अपनी निशानियाँ दिखाएंगे माहौल में भी तुम्हारी जात में भी ज़ात में भी अल्लाह की कुदरत रोजाना तब्दीलियाँ ला रही है और माहौल में भी रोज़ तब्दीली ला रही है अल्लाह और अल्लाह ताला की इस कुदरत को हम देख नहीं रहे समझ नहीं रहे हर इनकलाब हमसे समझने की दावत दे रहा है कि समझो भाई समझो ज़िंदगी के मकसद को समझो पैदा करने वाले को समझो और अपने आप को समझो इसी मकसद को समझने के लिए इसी मकसद के समझने की ताजगी के लिए इसी मकसद के समझने पर इसतज़ार और इसतरार के वास्ते कि हम जमे रहें और हमेशा ताज़ा रहे ये मकसद और उस पर हम जमे रहें और उसके तकाज़े के ख़िलाफ़ ज़िंदगी ना गुजारें इसको सीखने के वास्ते तहजीब नफ्स की ज़रूरत है और तहजीब नफ्स के वास्ते किताब व सन्नत में बहुत से इसबाब और बहुत से रास्ते और तदबीरें दिखाई गई हैं उन तदबीरों को जानने की जरूरत है फिर उन तदबीरों पर नफ्स चलने नहीं देता तो किसी की निगरानी में चलने की ज़रूरत है इसलिए कि डॉक्टर जब ज्यादा बीमार होता है तो दूसरे से इलाज कराता है खुद नहीं कर लेता अपना इलाज छोटा मोटा दवाई ववाई खा लेता होगा नजला ज़ुकाम बुखार लेकिन ज्यादा बीमार होता है तो वो भी फिजिशन से रुजू हो जाता है इसी तरीके से अगर आलिम भी हो तमाम ये जितनी भी बातें होती हैं सब कुरान हदीस की हैं तो जो दूसरा आलिम है हमारे सामने बैठा हुआ तो वो भी तो सब जानता है उसे भी तो सब मालूम है लेकिन अगर आलिम भी हो यानी डॉक्टर भी हो बीमारी महसूस कर रहा है रूहानी उसको भी रुजू हो जाना चाहिए वो ज़रूरत इसलिए है कि इलाज मालजे की मसलहत शख़्स से दीगर ही कर सकता है हम खुद नहीं समझ सकते उसको हमसे कोताही हो जाएगी गड़बड़ हो जाएगी नुकसान पहुँच जाएगी जाए। इसलिए दूसरा ही पकड़ सकता है उसको इसलिए दूसरे की तरफ़ रजू होने की ज़रूरत होती है और अब मैं आपको इसी सिलसिले में यानी ये जो मैंने तमहीदी बात की आज वो इसलिए कि हमारे जितने भी साथी यहाँ जुड़े जमा हुए हैं वो ज़रा पहले ये जहन बना लें कि हम किस मकसद के लिए यहाँ हैं ताकि इतना अजीम मकसद है तो उतनी ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है फ़िक्र की ज़रूरत है सूझबूझ की ज़रूरत है और काहली से बचने की ज़रूरत है कोई काहिल किसी फील्ड में कामयाब नहीं हुआ है न दुनिया की न दीन की किसी फील्ड में काहिल कामयाब नहीं हुआ है हमेशा मुस्तैद बंदा कामयाब होता है चौकन्ना रहना चाहिए मुस्त रहना चाहिए मुस्तदी से कामयाब होते पढ़ने वाला इस मुस्तदी से कामयाब होता है नौकरी करने वाला मुस्तदी से कामयाब होता है मजदूर मुस्तदी से कामयाब होता है किसी को देखो भाई काहिल कौन कामयाब है हर काहिल नाकाम है अपने मकसद में इसलिए इस्लाम काहली को पसंद नहीं करता बल्कि इमाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अम्बिया को कभी जमाई नहीं आई वो जमाई लेते ना मुंह खोल के अम्बिया को कभी जमाई नहीं आई इस वास्ते कि अम्बिया कभी सुस्त नहीं हो चौबीस घंटे एक्टिव रहते हैं सुस्त कभी नहीं पड़े अम्बिया क्योंकि हर वक्त अल्लाह का आर्डर आ सकता है और हर वक्त उनको चौकन्ना रहना पड़ता है काम करना इसलिए कभी अम्बिया सुस्त नहीं हुए और जो जमाई सुस्ती की अलामत है वो नबियों को नहीं आती और उसके बाद फरमाया तजर्बा यह है अहलुल्लाह का कि किसी को जमाई का तकाजा हो और वो ये सोचे कि ये चीज़ तो नबियों में नहीं थी तो उसको भी नहीं आएगी तजर्बा करके देख ले कोई ये इमाम सूती रहमत ला फरमा तो कोई तजर्बा कर लो कि अगर उसको जमाई का तकाज़ा हो रहा और वो ये सोचे कि ये चीज़ तो नबियों में नहीं थी तो उसकी भी नहीं आएगी तो आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि सुस्ती कहीं नहीं बस आज ये तय करो अल्लाह के घर में कि जो ज़िंदगी गुजर गई कितना हिस्सा अल्लाह ताला बस माफ़ कर दे अब सुस्ती हमारे करीब भी नहीं फट गए हमारा सुस्ती से काहिली से कोई लेना देना ही नहीं है कोई रिश्ता नहीं है कहीं जा भाई किसी के पास जा किसी बेईमान काफिर के पास जा मेरे पास काहकिल जाऊँ मैं तो आखिरत बनाने के लिए पैदा हुआ हूँ टाइम कम है और आखिरत का काम बहुत ज़्यादा है इसलिए मेरे पास मत कभी ना आने दो अपने यही सुस्ती नमाजें छुड़ा रही है यही सुस्ती मामूलात पूरे नहीं होने दे रही है यही सुस्ती जिक्र की तकमील नहीं करा रही है यही सुस्ती माँ बाप का हक नहीं अदा करवा रही है यही सुस्ती औलाद की तरबियत नहीं करवा पा रही है यही सुस्ती पड़ोसियों को परेशान जितनी बदअमलियाँ हैं वो बेहिसी और सुस्ती के नतीजे में गुजर एहसास जगाए रखो और सुस्ती को करीब मत आने आओ इससे फिर तरक्की होगी वरना या आना बैठना जाना तो कोई फायदा नहीं भाई कुछ होना चाहिए कुछ पाना चाहिए कुछ हमारे अंदर इनकलाब तब्दीली आनी चाहिए हर मजलिस से पहले की हालत से उसके बाद वाला हाल बदलना चाहिए हज मबरूर को बहुत मुबारक अमल कहा गया सही बुखारी बेहदी से हज मबरूर बहुत मुबारक अमल वहाँ शारखी ने बात की है कि मबरूर किसे कहते हैं तो कहते हैं मकबूल मकबूल तो अल्लाह के यहाँ होता है तो हमें कैसे पता चले कि हुआ कि नहीं हुआ तो उसके जवाब में हाफिज़ ने हजर रही महुल्ला ने लिखा है कि अगर हाजी देख ले कि माँ कबल हज की हालत से माँ बा हज की हालत बेहतर हो गई है गुनाहों की कमी के अतबार से नेकियों की ज्यादती के एतबार से ईमान के लेवल के एतबार से पहले वाली जिंदगी से बाद वाली जिंदगी में तब्दीली आई है तो यह हज मबरूर है यह हज मकबूल है एक अलामत यह बताई गई कि जो हज गुनाहों से खाली हो वह हज मबरूर है वह हज मकबूल है तो अलामत इसी तरीके से आप लोग ध्यान में रखें कि वहाँ क्यों जाते हैं ताल्लुक माल्ला के लिए ताल्लुक माल्ला का वो आला दर्जा है कि उसी के घर पे जाके ताल्लुक़ पैदा किया जाए और भी सूरतें हैं उन्हीं में से ये भी सूरत है कि हम अपने इल्म के मुताबक और अपने एतक़ाद के मुताबक किसी को अल्लाह वाला समझें अहल्ला समझें तो उनके पास जाते हैं वहाँ रहते हैं कुछ वक्त गुजारते हैं मकसद क्या है ताल्लुक माल्ला हासिल हो जाए तो बैतुल्ला इसलिए जाते हैं कि ताल्लुक माल्ला हासिल हो जाए अहलुल्लह के पास भी इसलिए जाते हैं कि ताल्लुक माल्ला हासिल हो जाए इस फ़र्क के साथ कि बैतुल्ला का बैतुल्ला होना महक्क है और किसी का वलीअल्ला होना हमें पता नहीं है हमारा जन गालिब कहता है कि ये अल्लाह वाला होगा बस उस जन गालिब की बुनियाद पर हम जाएंगे और अल्लाह इसी जन की बुनियाद पर देगा अगर फी ही खुदा न खास्ता वो उसका अल्लाह से ताल्लुक़ न हो वो दुनियादार आदमी हो हम समझ के गए कि अल्लाह वाला है तो हमारे गुमान पर अल्लाह देगा उसके होने के हिसाब से अल्लाह ताला नहीं देगा अल्लाह मिनुमती अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता कि बंदे की कोशिश को फिक्र को तलब को रायगा कर दे जाया कर दे हजरत हकीमद रहम्ला के मवाज में है कि एक आदमी था जो बहरूबिया था पहले कभी बता चुका हूँ आप लोगों को कि फारसी का लफ्ज है ये बाहर रूप हर शक्ल में हर शक्ल में मुतक्ल हो जाना यानी जैसे आजकल न्यूज़ चल रही है बहुत के मुहर्रम की किसी आज़ादारी के जुलूस में कोई दुनिया के बहुत मशहूर शख्सियत को लोगों ने देखा तो उसको मुसलमान होने की मुबारकबादी भी दे दी यहां तक कि ममलकत की ट्विटर पर भी मुबारकबादी दे दी अब बाद में पता चला कि तो वो एक बहरूपिया था वो असल आदमी नहीं था उसकी शक्ल धार के जाके बैठा हुआ था वहां पर शक्ल बनाई जा सकती फिर कोई आदमी दूसरी शक्ल पहले ज़माने में बादशाहों से पैसे वसूल करने के लिए नवाबों को बेवकूफ़ बना के पैसे लेने के लिए ये भी एक पेशा था कि लोग मशत करते थे कभी वली की शक्ल बना ली कभी ताजिर की सूरत बना ली कभी मजदूर बन गए कभी फ़कीर भिकारी बन गए मुख्तलिफ रूपों में जाना और बादशाह पहचान ना पाए तो वो हार करके उसे पैसे दे देता था इनाम मिल जाता था काम चल जाता था तो ये भी एक पैसा था पेशा था पैसा कमाने का एक आदमी ने बहुत रूपों में बहुत कमा लिया पैसे कितने रूप बनाए और कामयाब हुआ लेकिन जो वक्त का बादशाह था वो चंद ही दिनों में उसको समझ गया अब किसी भी रूप में आता तो वो मुस्कुराता और कहता कि बस अब मुझे उल्लू बनाओ चकमा नहीं दे सकते फलां शख्स है तू तो अब हारने लगा अब तो नहीं समझ अब तो समझ वो पहचान लेता था जाने के साथ ही तो उसको समझ में आया कि कोई अब ऐसी शक्ल सोचनी चाहिए बिल्कुल नहीं हो अब तक हमने नहीं की हो तो उसको ख्याल आया कि जाहिद और तारीख दुनिया अब तक नहीं बना मही अब ज़रा ये शक्ल बनाना चाहिए ये, नहीं। ये भी बड़े काम की चीज़ है इसमें तो बहुत फंसेंगे इसलिए ये बनाना चाहिए तो मौसू ने देखा अहल अल्लाह तारिक दुनिया जो जुहादत कैसे होते हैं हर पहले ज़माने में बहुत होते थे अल्लाह वाले जिन्होंने दुनिया से अपने को अलग कर लिया था जा के देखा दो चार पाँच को बस उनकी जैसी शवाहत बना लिया उनका जैसा लिबास उनके जैसे तरीक़े उनकी जैसे ज़िक्र शगल याद अला सब सीख लिया अब ये सब कोई अल्लाह के वास्ते नहीं हो रहा है ये सब पैस, पैसा कमाने का चक्कर है ये सब बना तो ये भी उसको एक बात मालूम हुई कि जो जाहिदीन होते हैं वो बस्तियों में नहीं रहते सहराओं में रहते हैं किसी पहाड़ी पे जाके रहते हैं ऐसी जगह पे जाके रहते हैं मैं रास्तों में देखता हूँ कि सब वो पहाड़ी वो पहाड़ी के ऊपर दरगाह है वो तो इतना ऊंचा पहाड़ है उसके ऊपर दरगाह है मैं सोचता था कि ये बेचारे यहाँ जा क्यों मरते हैं कि सबके लिए परेशानी का हो इतने पहाड़ के ऊपर जाओ सौ सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ पाँच सौ सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ तो वहाँ वो आराम कर रहे हैं मौसु फ़ातह पढ़ना भी मुश्किल है उनके ऊपर जा करके ये लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि ये तरक दुनिया वालों के एक तरीक़ा था कि वो ऐसी जगह चले जाते थे जहाँ दुनिया वालों से रबता ख़त्म हो जाए ऐसी जगह पर चले जाते थे तो शायद इसी वजह से पहाड़ों पर दरगाहें होंगी अल्लाह आलम ये साहब चले गए एक पहाड़ी का इंतबाब कर लिया हुआ एक दरख्त था उसके सय में बैठ गए और वहाँ जा कर के पूरा पक्का जाहिद बन गया तो औरंगज़ेब रहमत कहीं से भी गुजरते थे तो क़ुरब जवार में कोई अल्लाह वाले होते तो उनसे ज़रूर मुलाकात करते थे और उनसे दुआएं करवाते थे जा कर के दुआएँ करवाते थे उनको पता चला काफ़िले वालों ने कहा कि हज़रत यहाँ एक कोई अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते हैं तो उन्होंने जा कर के मुलाकात की मुलाकात के बाद जाते हुए नजराना पेश किया तो उसने एक लात मार दी और कहा कि जो है इसी से तो घबरा के आके हम यहाँ पर बैठे हुए हो यही इलाके हमारे पास पहुँचाते हो तुम लोगों ने अपने घर भी बर्बाद कर लिए मेरी खानका में फसाद मचाना चाहते हो ले जाओ यहाँ से निकालो तो बड़ा हिम्मत का आदमी था उसने बादशाह के नजराना को भी ठुकरा दिया और बादशाह लेकर जला गया इसके बाद फिर कुछ अल्लाह वाले आए अल्लाह के नेक बंदे ताजिर जा रहे थे उनको पता चला कि यहाँ अहमुल्ला है वो लोग आए उन्होंने उनसे कहा कि बड़े बतासर बुजुर्ग भाई बादशाहों को ख़ातिर में नहीं लाते हैं क्या अल्लाह वाले आदमी हैं ऐसे तो उन लोगों ने उनके हाथ पर बैत कर लिया तो पीर साहब ने बैठ करा दी उन लोगों को और उन्होंने कहा कि अपनी सहबत में रहने का मौका दीजिए तो बोले यहाँ नहीं रहो उधर नीचे जाके रहो दामन में वहाँ पर जाके रहे जिक्र बता दिया शक्ल बता दिया सब सीखा था जाके सब बता दिया उन लोगों को अब वो लोग नमाज़ पढ़ लेते ज़िक्र शक्ल करते पहले से नेक लोग थे और लग गए अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अपने एक नेक बंदे की सहबत में हमको रहने का मौका दिया चिल्ला लगाना था उन लोगों को बराबर लगा रहे थे बराबर काम में लगे हुए थे कभी कभी जाके मिल लेते हजरत की नज़र फैज़ असर ले कर आ जाते फिर अपने काम में लगे रहते आखिर अखिर दिनों में इन लोगों को ख़याल आया कि हमारे शख कितने बड़े अल्लाह वाले हैं क्या मरतबा होगा क्या अल्लाह के नज़दीक तकर्रब का आलम होगा इनका तो देखना चाहिए तो कसरत जिक्र और खलबत और अज़लत वग़ैरह की बरकत से रियाजत मुजाहदे से रूह में लताफत पैदा होती है उसके लिए ईमान तक शर्त नहीं है योगियों जोगियों को भी नसीब होती है कसरत रियाजत से उसका ताल्लुक विलायत का ताल्लुक इतवाय सुन्नत से इन सब चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं विलायत ये किसी को भी नसीब हो सकता है चुनाचे उन लोगों को रियाजत की कसरत फिर ईमान भी माशाल्लाह और उसने अकीदत भी और अल्लाह से ताल्लुक़ भी और अल्लाह का जिक्र भी और गुनाहों से हिफाजत भी तो रूह में इतनी लताफत आई कि सैर करने लगी रूह आलम मलकूत की और वहाँ अहलुल्ला नजर आने लगी ओ ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी है ये शेख बहाउद्दीन नक्शबंद हैं और ख्वाजा मैनुद्दीन अजमेरी ये हैं वो हैं इनको इसे नज़र आने लगे अहलुल्ला के मकामात दिखाई देने लगे तो सोचा कि अपने शेख का मकाम देखें तो कहीं है ही नहीं तो दिखता कहाँ से हम खूब देखा खूब देखा कहीं भी नहीं दिखता था बलंद बलंद मरतबों तक रूह प्रवाह करती वहाँ भी नहीं कहीं भी नहीं हमारे शेख साहब तब भी अकीदत का ये हाल है और ऐसी ही अकीदत होनी भी चाहिए अक़ीदत का ये हाल है कि वो लोग आपस में कहने लगे हमारे शेख का मकाम इतना ऊंचा है कि हमारी रसाई नहीं हो पा रही वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे वहाँ तक और उसके नीचे ही सब बुज़ुर्गान दिन दिख गए हैं जितने बड़े बड़े मशहूर अवलिया ज़माना सब नीचे ही नज़र आ रहे हैं हमारे शेख तो इससे भी ऊपर है इस अकीदत के साथ बैठे एक दिन जब उनको जाने का वक्त हुआ चिल्ला पूरा हो गया तो हजरत की खिदमत में आए और वापसी की इजाज़त लेना चाहिए तो इस गुस्ताखी की माफ़ी भी मांगी कि हजरत हमसे बड़ी गुस्ताखी हुई है माफ़ कर दीजिए क्या गुस्ताखी हुई भाई कोई तकलीफ तो दी नहीं आप लोगों ने मुझे कब गई है माफ़ कर दीजिए बग़ैर इजाज़त गलती से हमने ऐसा किया क्या किया हम आपके अल्लाह के, अल्ला के नज़दीक मरतब बुलंद को देखने की कोशिश किए हैं लेकिन हम नाकाम रहे हमें इस गुस्ताखी पर अफसोस है शर्मिंदगी है, हमें माफ़ कर दीजिए। अब जाके मालूम तो उसको थी पहले से दीन की और अल्लाह वालों की अब जब उन लोगों ने देखा उसका दिल पसीज गया बहुत नरम पड़ गया क्या समझ रहे हैं लोग मुझे और मैं क्या हूँ लोग मुझे क्या समझ रहे हैं और मैं क्या हूँ मेरा तो कोई मकाम ही नहीं है इसलिए कि मैं तो अपने पेट पूजा के लिए ये सब तमाशा बना के बैठा हुआ हूँ अल्लाह से क्या मतलब मुझे लेकिन ये बेचारे समझ रहे हैं कि मैं और वरा उलवरा हूं कहां से कहां पहुंचा हुआ हूं ये समझ रहे हैं लोग तब उसको बड़ी शर्मिंदगी हुई बहुत शर्मिंदगी इतना दुखी हुआ कि रोना शुरू किया अब बेसाख्ता होता रहा लिखा है किताबों में कि ये रोना इतना ज्यादा हो गया कि वो, वो वो मुरीदीन भी रो रहे हैं और पीर साहब भी रो रहे हैं सब मिल के बस रो रहे हैं इस रोने से ऐसा लग रहा था कि पहाड़ का एक एक पत्थर रो रहा है दरख्त का एक एक पत्ता रो रहा है ऐसा बुकिया का आलम रोने का काय हो गया वहाँ पर और फिर उसने बहुत शिश्कियाँ लेते हुए कहा कि भाई मैं आपके सामने आपकी ग़लत फहमी दूर करने के लिए हकीकत बता देता हूँ मैं कोई वली अल्लाह नहीं हूँ मैं तो तारीख दुनिया नहीं तालब दुनिया हूँ बस इस दुनिया ही के खातिर सब कर रहा था और ये सारा जो मैंने नाटक किया था और ये नक्शा फिट किया था ये भी अपनी दुनिया के लिए था दीन के लिए कुछ नहीं लेकिन आप लोग अल्लाह त पहुँचे हुए बंदे हो नेक बंदे हो अब मैं आप लोगों के हाथ पर तोबा करना चाहता हूँ इसलिए अपने मुरीदीन के हाथ पे तोबा किया और तोबा करके ख़ुद भी उस दिन से अल्लाह का नेब और मुखलिस बंदा बन गया अब तालिब खुदा था तालिब दुनिया नहीं था तारीख दुनिया बन गया हकीकत हज़रत हकीमद रहमत आ फ़रमाया कि हम इस धोखे में नहीं हैं कि हमसे लोगों को हिदायत होगी हम इस आरज़ू में हैं कि हमारे मुरीदीन ही से अल्लाह ताला हमारी बख्शिश कर दे हमारी मगफिरत कर दे क्योंकि हम रास्ता तो सही बता रहे हैं, रास्ता गलत नहीं बता रहे हैं, रास्ता सही बता रहे हैं। और मकाम क्या है पता नहीं आप लोगों में किसका मकाम अल्लाह के पास कितना गलत है हमें तो कुछ पता नहीं कल क़यामत ही वे पता चलेगा तो ये हमारा गुमान है ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप जो जमा होते हो तो आपका यह हुसन ज़न है इस गुमान अल्लाह इस गुमान को चाहे हमारी हकीकत कुछ नहीं अल्लाह ताला अपने करम से कुछ बना दे लेकिन यह है कि गुमान आपका ज़ाया नहीं होगा क्योंकि आपने अल्लाह को पाना चाहा है और कोई मकसद नहीं कि अल्लाह को पाले हैं तो जब इस गुमान से इस इस हुसन ज़ल से आए इसी पर अल्लाह अता की बारिश फरमाएगा बस शर्त यह है कि औकात को ज़ाया मत करो शर्त यह है कि नीयत सलामत रखो शर्त यह है कि सुस्ती को करीब आने मत बस काम का टाइम काम करना चाहिए रात साढ़े दस बजे सो जाने के लिए कहा गया चार बजे उठा दिया गया तो साढ़े पाँच घंटे रात की नींद हो गई या ग्यारह बज गए थे होंगे तो पाँच घंटे हो गए सुबह एक घंटा हो गया अब फिर वक्फा भी है थोड़ा सा तो आखिर कितना सोएंगे हम अगर हमारा मकसद हमारे सामने होगा तो हमारा मन कहेगा हमारा ज़मीर कहेगा क्या दुनिया में सोने के लिए आए हैं हम उठो भाई कुछ करो कुछ करने के लिए हमारा ज़मीर हमको जगाएगा और तैयार करेगा और जिसका मकसद अभी तक बना हुआ नहीं है उसके लिए तो ये सोना भी कम है फिर कोई टाइम मिले तो उसमें भी सो फिर मजलिस में भी बैठ के सोते ही रहो फिर सोना ही सोना है भाई जो सोया वो खोया सोना वाले को क्या मिला ना दुनिया मिली ना दीन मिला कुछ भी नहीं मिला सोने वाले को इसलिए सोने का मत करो जागो सोएंगे इन अल्लाह सुलाएगा जब ईमान पर मौत होगी तो अल्लाह ताला कब्र में आराम से सुलाएगा इनशाला और फरिश्ते थकामानदा आदमी है बेहद आराम कर दो इसे सताओ मत इसको आराम कर दे तो आराम करेंगे जब हम अल्लाह के लिए थक के जाएंगे तब हमें आराम कराया जाएगा जब हम नफ्स के लिए आराम करेंगे तो तब थकना पड़ेगा वहाँ पर तो इसका अहतमाम करो और बस आज ये दस बातें हैं जिनको पहले तफसील से बताया जा चुका है किताब लिखी जा चुकी है वो तो हर सालिक के पास रहना चाहिए रोज़ाना मताल थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए यहाँ मुजा के तौर पर होता है सिर्फ़ के मुजा हो और अगर उसमें कोई बात हो तो ना समझ में आई हो तो समझ में आ जाए ये होता है अब होना तो ये चाहिए था कि फ़जर के बाद मेरे ज़ेन में बात आ रही थी कि भाई जो पुराने मुरीदीन हैं उनको खड़ा करके उनसे पूछा जाए एक एक से कि भाई शहब वतन के बारे में आपने क्या समझा है शहबत फ़र्ज के बारे में आपको अब तक क्या बात समझ में आई है क्या कोशिश आप कर रहे हैं और किस क़दर आमल हो रहा है तो एक एक को खड़ा करके पूछना चाहिए पूछने ही से जो है, है, है फ़िक्र पैदा होती है उसके बगैर नहीं होती हमारे हजरत महीना रमतल मस्जिद में चाहे तलबा हो इस हो मेहमान हो किसी को भी खड़ा करते थे कल क्या सुनाया गया था उसको बताना पड़ता था इसलिए असर की नमाज से पहले पूरे मेहमान खाने में बड़े से बड़े बुजुर्ग शेख हदीस तक सब लोग कल वाले वालती सुन लेते थे सब याद कर लेते थे तैयार हो के मस्जिद में आते थे असर में इसलिए कि किसी से भी बाबा पूछ ले सकते हैं कि आप बताइए कि कल क्या कहा गया था तो बोलना पड़ता था और नहीं बोलता तो फिर डांट पड़ती थी कि काय के लिए वक्त ख़राब कर रहे हो यहाँ पर कल कल का सबक तक याद नहीं रख सके आप लोग तो क्यों बेकार यहाँ पर वक्त ख़राब कर रहे हो ये पूछा जाता तो उसी से करना सब चौकन्ना रहते थे सब बिल्कुल अटेंशन अब हम तो पूछते पूछते नहीं भाई कि भाई ये, ये अब तो मुरीदों से डरने का वक्त है पहले पीर से डरा जाता था अब मुरीदों से डरने का वक्त है कि वाह ये क्या किसको कौन सी बात बुरी लगेगी लोग तो चलो ना सीखो ना सीखो तो तभी गरीमत था वो भी नहीं करते बल्कि उल्टा पीर साहब को बद अखलाक मशहूर करते तो अब ऐसे वक्त में तो भाई हम ही को आप लोगों से डर डर के जीना है बस के भैया मोरी दिन का क्या होगा नंबर एक शहवतुल बतन बतन पेट को कहते हैं अंदर होता है इसीलिए बातिन भी अंदर ही को कहते हैं तो बतन के माना है ज़्यादा खाने की हवस जो इस ज़माने की बीमारी बदी हुई है सबकी ये नहीं कोई वक्त मुकर नहीं है खाने का जो सुबह से खाना शुरू किया तो फिर रात सोने तक ही खाना सिवाय उन चंद घंटों के जिसमें हम खाव गफलत में पड़े हुए हों खाते रहना चाहिए कुछ ना कुछ पीते रहना चाहिए खाते रहना चाहिए और खाना अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर थ और ये वो जो जो बाज़ारों में अंतड़ियों को गला देने वाली शरबत मिलते हैं वो सब मशरूब चलाते रहते हैं समझे नहीं ये सब आंतों को गला देने वाले केमिकल्स हैं जिसको बिला सख्त ज़रूरत के कभी किसी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्यों ज़रूरत पड़ी खाना वक्त पर ऐसा खाओ कि हज़म हो जाए और इतने वक़े के बाद खाओ कि हज़म हो चुका हो तो इसकी क्या ज़रूरत है जो हमें ले ले कर चढ़ाते रहना पड़ता है डब्बे और बोतलें चलती रहती हैं बाज़ लोगों की क्योंकि हर वक्त खाते हैं बेहिसाब खाते हैं बेतरतीब खाते हैं हर कोई चीज़ खा लेते हैं ये सब शहबत बतन है अरे भाई हर चीज़ हर चीज़ बेहिसाब जितना खाना चाहो इंशाल्लाह एक दिन मगर वो यहाँ नहीं इस दुनिया में नहीं जन्नत में खाए क्योंकि जन्नत में अल्लाह ताला कैपेसिटी देगा इतनी गुंजाइश होगी पेट में कि खाते ही चले जाओ और हजम करने का कोई मसला नहीं होगा मैदे वेदे का चक्कर नहीं है वहाँ पर वहाँ पर ने, आपने एक हल्की सी डकार ली और इस हल्की तीस डकार से एकदम फजा मुअत्तर हो जाएगी खुशबूदार हो जाएगी पेट खाली हो जाएगा खाना शुरू कर दो बस फिर खाओ फिर खाओ फिर खाओ हर वक्त खाते रहो कुल्लू अशरबू हनी अम्बिमा असलफ़ तुम फिल अया मिल खा लिया जो ज़िंदगी में तुम मुजाहिदा करके आए हो ना खाने का पीने का पहनने का जितना मुजाहिदा करके आए हो वो गए दिन वो थोड़े से दिन थे गिनती के चंद वो चले गए अब नहीं कोई परेशानी आपकी खाओ बिल्कुल निडर हो के खाओ कहीं नहीं है जन्नत में कोई हॉस्पिटल नहीं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ना एमबीबीएस का क्लिनिक है कुछ भी नहीं है जन्नत जरूरत ही नहीं है तो काय को जन्नत में दवाखाना होगा दवाखाना तो बेहिसाब और बेतुका खाने वालों के वास्ते तो दवाखाना किसके वास्ते सेहतमंद के लिए दवाखाना नहीं कोई सेहतमंद तो नहीं जाता हॉस्पिटल जन्नत में सब सेहतमंद हैं तो हॉस्पिटल भी नहीं वहाँ पर और बैतुलखला की ज़रूरत नहीं है कैसा आप डब्ल्यू सी कौन सा है वेस्टर्न है क्या या मशरक़ी है क्या मग़रबी है इस सब ज़रूरत नहीं वहाँ पर वो बनाने बनाए गए नहीं अल्लाह कहीं भी है ही नहीं भाई उसके तस्वुर से भी इंसान को एक किस्म का इनकबाज होता है इस वजह से वो सब वहाँ नहीं जन्नत में तो याद रखो मेरे अजीज़ अजीजों खाने पीने ऐश करने मौज मस्ती करने के लिए एक जगह अल्लाह ने बना रखी है और करेंगे जल्दी क्या है ये तो थोड़े से दिन हैं पचास साठ बरस की ज़िंदगी निकल जाए निकल जाए फिर वही है सब मन मानी मर्जी ज़िंदगी जो चाहे करो ना हलाल व ना हराम ना फतवा ना कज़ा ना कोई मुफ्ती साहब ना कोई मसला बताने वाला ना कोई हाथ रोकने वाला कुछ नहीं भाई मन की मर्जी से ज़िंदगी गुजारो जैसे चाहे वहाँ पर रहो वो वहाँ है मगर कुछ दिन हमको यहाँ पर रब चाहे ज़िंदगी गुजार उसके सिलसिले में इमाम गज़ाली रहमत ने जो इंसानी तरबियत के और इस्लामी तरबियत के बहुत बड़े इस्कॉलर गुजरे हैं जिनको उनके बाद सब तरबियत के मुरबियों ने अहल खानक ने मशाइ ने उन्हीं से फ़ायदा उठाया है उनकी गैर मामूली तहक़ीक़ात से फ़ायदा उठाया है अब वो मुजलमात बातिनिया दस बातें जोड़ के तमाम बातों को उसमें शामिल करके जाम दस बातें ऐसी बताना चाहते हैं कि अगर आप उनसे बचो तो आपका बातिन यानी कल्ब रोशन रहेगा अंधेरा नहीं होगा उसके अंदर कल्ब रोशन रहेगा यानी और, और अगर नहीं करोगे अमल तो फिर जुल्मत पैदा हो और कल्ब की जुलमत ही सारी बुराइयों की जड़ है दिल रोशन रहे दिल को रोशन रखो साफ सुथरा रहे उजला रहे चमकता रहे दिल की दो सिफतें होनी चाहिए हमारे दिल की एक ये कि वह मुसफ़ा हो दूसरी ये कि मुजल्ला हो मुसफ़ा का मतलब साफ सुथरा हो साफ कर दिया हुआ एकदम क्लीन जो होता है उसको मुसफ़ा कहते हैं। मुसफा हो और मुजल्ला का मतलब यह है कि रोशन हो मआब हो तो ये दो सिफतें जब दिल की हो जाएंगी वो बंदा अल्लाह का मकबूल बंदा बन जाएगा महबूब बंदा बन जाएगा अल्लाह ताला का। अब इन दो सिफतों में पहली सिफत हमारे जिम्मे की गई है दूसरी सिफत अल्लाह के आप मुसफ़ा करने का काम कर लीजिए अल्लाह मुजल्ला करने का काम कर दिया तस्फिया हमारे जिम्मे तज लिया अल्लाह के जिम्मे। वरना हमारे जिम्मे कुछ ना होता तो फिर क्या फायदा होता इसलिए अल्लाह ने कुछ हमारे जिम्मे कर दिया वो हमारे जिम्मे ये है और तस्फिया तस्फिया कल्ब हमारे लिए मुमकिन भी बना दिया अल्लाह ताला अगर अल्लाह मुमकिन ना बनाता तो हम कर ही ना पाते इसलिए तस्वीर कल्ब मुमकिन बना दिया ला नफसन इल्ला ये तस्वीर कैसे होगा ये दस चीजों को निकालो और दस चीज़ों को अंदर लाना है अंदर का पहले बाहर का बाद में अंदर से बाहर आना है तो ये जो बातिन है हमारा यानी कल्ब एक दिल की दुनिया है एक बाहर की दुनिया है आजाव जवार और अंदर है हमारे कल्ब और कल्ब ही आमिर है अमीर है सुल्तान है ये जो बाडी की कंट्री है इसका कैपिटल, कै, कैपिटल दिल है यहीं से हुक्मरानी होती है अलावा फिल जसदा सलोहत सलोहल जसद्लू फसद फ़सद अलजसदुल्लू अला वही अलकल तुम्हारे तमाम पार्ट्स में से एक छोटा पार्ट है गोश की बोटी है ये ठीक है तो सब ठीक है और ये बिगड़ जाए तो सब बिगड़ जाए और वो दिल है ये हुजूर हजूर ने नेलान फरमाया और मुसलमानों को ये बात बताई हजूर सल्ला तो उसमें से पहले उसको कर लें जब उसका काम हो जाएगा तो जाहिर काम नहीं तो दस चीजें जाहिर को हलाक करने वाली हैं और दस चीजें जाहिर को ताकतवर बनाने वाली रोशन करने वाली और दस चीजें बातिन को हलाक करके अंधेरा कर देने वाली हैं और दस चीजें बातिन को रोशन करने वाली मुजल्ला करने वाली हैं तो कुल मिला के चालीस तो हम आपके सामने इस वक्त में दस बातें बता रहे हैं मुजलिमात बातनियाँ अशरा पहली चीज़ बहुत खाना बेजा खाना नामनासिब चीज़ें खाना जो अपनी तबीयत को जिसम को बनती है ना नहीं बनती ये भी देखना चाहिए आती मैं अदाता का माअव त एक बड़े हकीम का मकूला है आतीब मैदाता का माँ अवत तूने जिस चीज़ का बचपन से अपने मैदे को आदि बनाया है वही उसको दी उस जो आदि बन गया है उसको पीस लेता है उस हजम कर लेता है उसको ये कर लेता है इसका ख्याल रख करके खाना पीना चाहिए कभी कभार आदमी चटपटी चीज़ खा ले कभी कभार लजतों को इख्तियार कर ले तो हर्ज नहीं है लेकिन हमेशा जिस्म को ताकतवर बनाने जिस्म को ग़ा देने के लिए खाना खाना चाहिए और जिस चीज़ से गजा मिलती है वो चीज़ खानी चाहिए और जिस चीज़ से झजा मिलने के बजाय और पेट ख़राब होता है और बार बार लेफ्ट राइट करना पड़ता है और बार बार लोटा पेट पे करना पड़ता है तो भाई वैसे चीज़ें खा के सेहत क्या बनी बनने के बजाय और चंद दिन तक खराब हो गई हज़रत हकमत ने जो चालीस नसीहतें कं जो त, पूरी तशरीह के साथ छपी हुई है यहाँ पर भी जिन लोगों ने नहीं ली है उनको मिल जाएगी तो मकतबा लगेगा तो उसमें से ले लीजिए चालीस नसीहतें बड़ी काम की चीज़ है बहुत नफ़े की चीज़ है अब इस दौर में हम लोग चूँकि ज़्यादा पढ़ लिखने के मूड में नहीं हैं इसलिए जो मख्तसर और जाम चीज़ें हैं वही हमारा निसाब बना दिया गया है मैंने उसको भी निसाब में रख दिया है कि इसको पढ़ना समझना इसकी तालीम होना घर में उन चालीस बातों में एक बात ये भी हज़रत ने फरमाई खाने पीने में न इतनी कमी करे कि कमज़ोर या बीमार हो जाए न इतनी ज़्यादती करे कि इबादत में सुस्ती होने लगे अब तो ये दो रख के ध्यान में रख के बीच का मुक्र कर लो अपने हिसाब से हर एक की खादगी अलग अलग है इसलिए हम तो नहीं बोल सकते कि इतना खाया कीजिए ये तो नहीं बोल सकते हम हम ये बोलेंगे कि भाई अपने हिसाब से तय कर लो ना इतना कम कि ओवफ़ो न काहत महसूस होने लगे ना इतना ज़्यादा कि इबादत करना मुश्किल हो जाए फ़राइज पढ़ना मुश्किल हो जाए किसी की फराइज तो हो जाए सुन्नतें छूट जाएँ सुन्नतें हो जाएँ नवाफिल का अहमाम ना हो सके वो तो ऐसा खाने से क्या फ़ायदा है ऐसा मत खाओ जो हमारी ही आखिरत को बर्बाद करे ऐसे खाने से खाओ फिर अगर आखिरत नहीं बना सके तो जहन्नम में जाए जाना पड़ेगा और जो अल्लाह ने जन्नत में रखा है उससे महरूम हो जाएंगे इसलिए आखिरत का नुकसान मत करो आखिरत का नुकसान किए बग़ैर खाने पीने का अहतमाम करना ये भी सीखो अब लोग आप आप, आप कहेंगे कि साहब हम अल्लाह अल्ला सीखने के लिए गए ये खाने पीने का क्या कंट्रोल है नहीं तो वो अल्लाह अल्लाह करना भी नहीं आएगा अगर ये नहीं करोगे तो फिर वो भी नहीं आएगा इसलिए बात यहाँ से शुरू की इमाम ने अब मैंने भी उसी तरतीब से लिखी है जहाँ से उन्होंने बात शुरू की मैंने भी उसी तरतीब से पहला नंबर यही है उनके पास भी रिया में पहला नंबर यही है इसकी फिक्र करनी चाहिए नंबर दो शहवतुलफरज ये है बातिन के तकाजे यानी इंसान के अंदर कुछ नफसानी शहवानी तकाजे भी होते हैं जिनसी तकाजे होते हैं इंसान के अंदर सेक्स के ये जो तकाजे अंदर होते ये भी अंदर ही होते हैं बाहर थोड़ी होते हैं ये भी दिल करता है इसके तकाज़े इसलिए भी बातिन में आएगा अंदर के आमाल में आ जाएगा ये उसके लिए आजाव जवारे का इस्तेमाल होता है जैसे खाने के हवस का इस्तेमाल के लिए हाथ होता है मुंह होता है दांत होते हैं ये इस्तेमाल होते हैं आजाव जवारे लेकिन हवस कौन करता है हवस वो कल्ब करता है दिल करता है इसी तरह शहव शहवानी तकाज़े भी दिल के तकाजे हैं अंदर से वो करता है फिर उसके बाद शर्मगा इस्तेमाल हो जाती है उसके लिए इस वजह से ये दूसरे नंबर पर उन्होंने बताया कि वो दुरुस्त कर लो खाना पीना अतदाल के साथ हो वक्फे वक्फ़े से हो मुनासिब वक्फ़े के बाद ही इन्हें भूख लग भूख भूख लगने जैसे बाज़ रिवायात में आता है कि तबीब आया था मदीने मुनवरा एक बहुत बड़ा उस ज़माने का और वो बहुत दिन रहा तो कोई पेशेंट ही नहीं आया उसके पास तो उसने इसके ऊपर तजुब का इज़हार किया तो उसे बताया गया कि ये जो लोग यहाँ रहते हैं मदीने में अहिल इस्लाम जब तक अच्छी तरह भूख नहीं लगती खाते नहीं और अभी कुछ बाकी रखकर भूख खत्म कर देते यानी फुल भर के भी नहीं खाते थोड़ी जगह रख के खत्म करते बस पूरी भूख लगने के बाद खाना भूख बाकी रख के खत्म कर देना खाना तो उस तबीब ने कहा जो कोई भी ऐसा करता रहेगा ना बीमार होगा ना इलाज की जरूरत पड़ेगी लिहाजा मेरी भी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं वो भी अपना बैग वैग लेके चला गया कि यहाँ कोई बीमार होता ही नहीं तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग भी मुसलमान हैं लेकिन हम लोगों की परेशानियाँ देख लो कितने तो शहबुलफरज एक बुज़ुर्ग के पास एक नौजवान को लाया गया कि साहब बिल्कुल बेकाबू हो गया है और सब औरतों के लड़कियों के पीछे फिरता रहता है ख़ानदान बदनाम हो गया है ऐसे हो गया है ऐसे हो गया नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा इसको यहाँ मेरे एक कमरे में रख दो उसको उस कमरे में रख दिया गया बंद कर दिया गया बाहर निकलने की इजाज़त नहीं वहीं पर रहा और चार दिन के बाद पूछवाया, उन बुजुर्ग ने उससे कि ज़रा उससे जाके पूछो कि रोटी लाई जाए कि लड़की लाई जाए पूछो उससे तो उसने कहा कि भाई रोटी दो बेचैन हूँ परेशान हूँ पहले रोटी लाओबाद में बात करेंगे तो हजरत ने फरमाया इं फसादे गंदम खुरदनस्त सब टाइम पे खाने मिलने का फसाद था वो फसाद ख़त्म करो पहले इसलिए एवाम गजाली की जहानत को दाद देना चाहिए कि पहले खाने का मसला लिखा है उन्होंने उसके बाद शहवत का मसला लिखा है इस शहब का सारा नाटक जो है वह खाने पर है खाना टाइम पे मिल रहा है पेट भरा हुआ है तो अब एक एक नखरे सूझ रहे हैं एक एक नखरे पेट भरा हुआ है तो। अब भूख लग रही है तो अल्लाह याद आते हैं अल्लाह 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 याद आते हैं तो शहबत फ़र्ज में बेकाबू हो जाना ये अल्लाह से तकर्रब हासिल करने में बहुत बड़ी रुकावट है अपने आप पर काबू रखना चाहिए साहब कराम तो अरब लोग थे खजूर खाते थे तब सहराओं में रहते थे ऊंट का दूध पीते थे वो लोग चार पाँच साल की उम्र ही में ताकतवर हो जाते थे बालग भी हो जाते थे तो सहाबा का क्या हाल होगा साहबा क़राम राम हजूर आसमाम के पास आकर बसा अवकात अपनी इस तकलीफ़ का इस परेशानी का इजहार भी करते हजूर आसमाम ने उनको भी तरीक़े बताए अगर ऐसा सहाबा में न होता तो हम लोगों को कहाँ से रास्ता मिलता हमको कैसे इलाज मिलता इसलिए मैंने कहीं एक अभी प्रोग्राम था तो मैंने वहाँ पर यह बताया कि देखो सहब कराम से भी कभी कभी गलतियाँ हुई यहाँ तक के एक सहाबिया से और एक सहबी से फवािशा कभी इरतक हुआ है सिर्फ दो मिसालें औरतों में एक मर्दों में एक और किसी ने चोरी भी की है बाज़ मर्दों ने बाज़ औरतों ने इस तरह के कुछ गुनाह कबीरा किसी किसी सहाबी से सरजद हुआ है लेकिन अगर आप गौर करो तो अल्लाह ताला ने इस दीन को थ्योरी नहीं बनाया इसे एक अमली ज़िंदगी बनाया है ये एक प्रैक्टिकल लाइफ है हजूर आसलात वाम को उसव हसना बनाया और कुछ चीजें हमारी जरूरत की थी पर नबी की की नहीं थी वो नबी से कैसे अमलन दिखलाई जा सकती थी नबी के मर्तबे बुलंद उनकी इस्मत और इफ़त से वो हो ही नहीं सकता था इसलिए उनके अहबाब में से अल्लाह ने किसी पर सा अपना दस्त हिफाजत उठाकर इस गुनाह में मुबतला करके फिर हमारे लिए एक उसुआ बना दिया कि कभी कहीं ऐसा हो जाए तो क्या होना चाहिए इसका अमली नमूना बना दिया इस एतबार से सहाबा की गलतियाँ सहाबा के अख्तिलाफ ये सब हमारे लिए रहमत बन गए उनकी नेकियाँ तो हैं ही हमारे लिए रहमत उनके आपस का इतलाफ भी रहमत बन गया उनसे जो गुनाह हो गया वो भी रहमत बन गया उनके एक ग़ुलाम से जो गलती हो गई बड़ी फाहिशा का वो भी रहमत बन गया इस माना कर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो गए क्योंकि उनके मालिक ने कहा था कि जरा के हजूर से कह दो कि मुझसे ऐसी गलती हो गई तो उन्होंने कहा कि भाई हजूर तो मुझे संसार करवा देंगे तो उसने कहा था कि नहीं तुम ग़ुलाम हो जाके बोलो तो सही तुम्हें माफ कर देंगे वो उसने जाके हजूर आल्लम से खुद बता दिया लोग बैठे हुए थे और हजूर आल् खड़ा या अल्लाह ऐसी गलती रात मुझसे हो गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टालने की जो हैं वो जानते हैं कि टालने की हर मुमकिन कोशिश की कि वो कुछ ऐसी बात कर दे जो मुशतबा सी हो जाए और फिर ये सज़ा इससे हटा दी जाए क्योंकि जो हदूद है, हैं चार सज़ाएँ हैं जिसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती उन चार सजाओं का मसला यह है कि सबूत बहुत सख्त बनाया गया है और अभी तक इस्लाम की तारीख में जिना का सबूत नहीं हो सका है चौदह सौ साल में कोई केस में साबित नहीं हो सका है एतराफ करके तो हुआ है लेकिन शहादत से सबूत अब तक नहीं हुआ ऐसी कड़ी शरायत अल्लाह पाक ने रखी है क्योंकि सजा भी बहुत सख्त है संगीन सजा दी जाती है इसलिए सबूत के शराब भी बहुत सख्त हैं और दूसरी बात यह है कि किसी भी बात से मुजरिम के मुलजिम के किसी भी बात से शक पैदा हो जाए तो दूसरी सजा दी जाएगी ये सजा नहीं दी जाएगी उसको शक अल्लाह के नबी ने सवालात इतने किए कि कोई ऐसा जवाब दे दे कि वह शक के दायरे में आ जाए और बच जाए लेकिन वो खुदा का बंदा बिल्कुल हर बात का ठीक से जवाब देता हर बात का सीधा सा जवाब दे देता था बिल्कुल सीधा जवाब ऐसा वैसा ऐसा कितना घुमा फिरा के हजूर ने कहा लेकिन उसने हर जगह आके वही इतराफ़ करता रहा वही सच्चाई बोलता रहा वही बोलता रहा हर जगह आखिर में हजूर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा क्या वाकई तूने अपनी सुरमा सुरमा दानी में सुरमा सलाई रख दी थी तो कहा हाँ रख दिया था तब कहा ले जाओ सजा दे दो इसको इतना हुजूर ने बचाना चाहा लेकिन सबक है इसके अंदर हमारे लिए कि सहाबा की सच्चाई हमारे लिए इबरत बन गई कि आदमी कुछ भी हो जाए पता है कि पत्थर मार के हलाक किया जाएगा लेकिन झूठ नहीं बोलना है नबी से हया करना है नबी को अगर मैं झूठ बोल दूंगा तो वही उसको सच बता देंगी लिहाजा मुझे दुनिया आखिरत में रसवा नहीं होना है यह सज़ा रसवाई नहीं है रसवाई तो यह है कि गुनागार पकड़ा जाऊँ यह रसवाई सजा रसवाई नहीं है तो इसमें भी हमारे लिए बड़ी इबरतें हैं बड़े सबक हैं बड़ी रहमतें हैं सहाबा का गुनाह भी रहमत बन गया उम्मत के वास्ते नहीं और अल्लाह ने उनको माफ भी कर दिया क्योंकि उन्होंने ऐसी सच्ची तो पक्की तोबा की वो मैं युजुनू भाई उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्लाह के अलावा है कौन माफ़ करने वाला माफ़ कर दिया अल्लाह ने उनको तो वो भी पाकिज़ा चले गए हमारे लिए भी एक ऐसी बात छोड़ कर गए जिससे तकवा सीखने में मदद मिलती है हर चीज़ सहाबा की हमारे लिए रोशन ज़मीरी का सबब है शहबतलफ़रज से बचो एक सहाबी आए उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हमको इजाज़त दीजिए कि हम खस्सी हो जाएं खसी कहते हैं अपनी शर्मगा को नाकाबिल इस्तेमाल बना देना यानी जब ऐसा कर लिया जाता है जैसे बकरों को कर दिया जाता है तो फिर वो पूरी ताकत उनके अंदर मुश्तमा हो जाती है लेकिन वो बकरी के पास जाने के काबिल नहीं रहता इसको खस्सी कर देना खस्सी हो जाना कहते हैं हज़रत ऊस्मान बिन मऊन रज़ी अल्लाह तहु ने हज़ूराम से इसकी इजाज़त मांगी थी और वो इसलिए मांगी थी कि अगर हम ऐसे हो जाएँ तो ये शहवत का ख़ात्मा हो जाएगा वो औरतों की तरफ़ ध्यान ख़त्म हो जाएगा जो भी अल्लाह ने ज़िंदगी दी है पूरी अल्लाह के साथ गुजार लेंगे इबादत में गुजार लेंगे इस इस नीयत से उनका यह सवाल था हजूर आल्लाम से अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने तो वो एक आदमी नहीं थे कुछ लोग थे जिन्होंने ये तय किया था कि हुजूर से पूछें तो हजूर अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया इजाज़त नहीं दी क्योंकि इस्लाम रहबानियत को पसंद नहीं करता इस्लाम ये कहता है कि तुम आजमाए जा रहे हो इसलिए अपने तमाम तर तकाजों के साथ मुत्की रहो तकाज़े ख़त्म हो जाएं और मुतकी बन जाए तो अंधा कहे कि मैंने कभी ही नहीं की भाई मेरा भी हौसला देखो कितना है कभी मैंने किसी नामहरम को नहीं देखा तो तेरी आँख ही नहीं है क्या देखेगा तुम अगर आँख होती और वो ना देखता तो कमाल की बात होती इसलिए तमाम इसबाब और वसायल मासीत को कायम रखते हुए मासीत नहीं करना है गुनाह नहीं करना है तभी हम कमाल वाले हैं तभी हम अल्लाह के मुकर्रब होने वाले और बुलंद होने वाले हैं तो ये है शहाबुलफ़र्क एक सहाबी आए और उन्होंने हजूर अलीसलात वसलाम से कहा या अल्लाह जिना की इजाज़त दे दीजिए जना की इजाज़त दे दीजिए मुझे लोग बैठे हुए हैं सब पलट के देख रहे हैं हज़बनाक आँखों से क्या पूछ रहा है नबी के सामने आकर मस्जिद में खड़े हो, जिना की इजाज़त दे दीजिए हजूर सल्लास ने उसको बुरी नज़र से नहीं देखा उसकी मजबूरी को समझा फिर मैं इनको ज़रा रास्ता दे दो भाई आगे आ जाओ तो वह आगे आए और आगे आ जाओ और आगे आए अब डरते डरते कदम बोझल हो गए नज़दीक आओ यहाँ आओ यहाँ बैठो और नज़दीक किया अपना हाथ जा सके यहाँ तक करीब बुलाया अब बुला कर उनके पीठ पे हाथ रखा और उनसे पूछा कि क्या तुम्हारी माँ से जिना की इजाज़त दे दूँ उसने कहा बखुदा ऐसा नहीं इसकी नहीं मांग रहा हूँ इजाजत खाला जान से इजाजत दे दूं और नहीं बहन से दे दूं नहीं बेटी से दे दूं नहीं उसने हुजूर अली सलाम सवाल करते रहे और वो कहता नहीं आ रसोल्ला ये नहीं मेरा मकसद है ये नहीं ये नहीं किसी गैर से दे दीजिए इजाज़त फिर जब उसको हर तरह इकरार करा लिया तो हजूर आसमाम ने फरमाया कि देखो बाबा अगर मैं इजाज़त दे दूंगा तो जिससे भी तुम जिना करोगे किसी की या तो माँ होगी या किसी की बहन होगी या किसी की बेटी होगी या किसी की बीवी होगी मैं कैसे इजाज़त दूँ उन्होंने कहा कि यार अल्लाह फिर ये मेरे दिमाग पे यही सवार है आप ही कोई हल बता दीजिए कोई इलाज दे दीजिए तो हजूर आसलात वसलाम ने फरमाया कि ऐसे मौके पर अल्लाह से दुआ कर लीजिए कि अल्लाह मताहिरकल वसन फर्जी अल्लाह मेरे दिल को बुरे तकाज़ों से पाक कर दीजिए और मेरे शर्मगा को पाक रहने का मौका दीजिए पाक रहने दीजिए मेरे बस अल्लाह से दुआ कर लिया कर और सब्र कर लो अल्लाह ताला इसका तर देंगे तो वो मतमिन होके चले गए अब ये तो नबी ही का हौसला था वरना हमारे मजमे में कोई सवाल करता तो वो पीछे वाले मार के बाड़ा देते उसको वहाँ से लेकिन ये नबी का हौसला था रहमत आलमीन का जो मजबूरी को समझ रहे थे कि मजबूरी है मेरा मेरा उम्मती ऐसा नहीं है कि वो बदकार बनना चाहता है बल्कि उसकी कोई मजबूरी है इस मजबूरी का हल निकलना चाहिए तो एक तो जहन साजी कर दी कि भाई कहीं भी रास्ता नहीं है किसी के साथ बुराई करने की गुंजाइश नहीं ये जहन साजी कर दी और दूसरे दुआ बता दी और सब्र की तलकीन फरमा दी साहब किराम कहते हैं हमने हैं। इस वाक के बाद से अपने समाज में उस नौजवान से ज्यादा पाकबाज और आफीफ बंदा नहीं देखा इसी को इसलाह कहते हैं कि भाई अपना अपना हाल बताओ और उसका जो हल बताया जाए तो सब्र करो और उस पर अमल करो इसी को इसलाह कहते हैं फिर ऐसा हो जाना चाहिए जैसे वो बंदा हो गया कि साहब जब नहीं है रास्ता और इस्लाम अल्लाह और उसका रसूल राज़ी नहीं है तो नहीं करना है चाहे दम निकल जाए क्या होगा दम ही तो निकलेगा क्या करना है एक जान का सौदा है एक जान का ज़िया है सो ऐसा ज़िया नहीं एक जान जाएगी तो कोई बड़ा नुकसान नहीं है जाने दो लेकिन तकवा बचाओ हफ्त बचाओ बागदामनी बचाओ अल्लाह देख रहा है हर जगह से देख रहा है हर जगह देख रहा है अल्लाह ताला, कहाँ छुप के अल्लाह को नाफरमानी करोगे कोई जगह नहीं छुप, इसलिए सब्र ही बेहतर है सब्र कर लो सब्र कर लो थोड़े दिन की सब्र है ज़िंदगी अगर इसी दुख में मौत आ जाएगी तो चलो अल्लाह के रास्ते का शहीद है ताला उसको अजर देगा उसका सवाब देगा जिसने खुदा को नाराजगी से बचाने के लिए जान दे दी वो भी शहीद मोहब्बत खुदाबंदी है सड़ने गरने वाली लाशों के ऊपर जान दे रहे हैं हम हुस्न जमाल के मालिक के ऊपर जान दे रहे जान दो नंबर तीन आफातुल लिसान ज़्यादा बोलने की फिक्र ये बहुत बोलना है ना ये तबाह बर्बाद कर दिया है बास चीज़ें ऐसी होती हैं सुबह मुफ्ती साहब बता रहे थे कि बास गुना किसी ज़माने में नहीं थे अगर ज़िक्र नहीं आया है तो ऐसा नहीं है कि वो गुना नहीं होगा या बड़ा गुना नहीं होगा ऐसा नहीं है मासीत के इसबाब हर ज़माने में बदलते रहते हैं जैसे तात के इसबाब हर जमाने में बदलते रहते हैं ऐसे ही मासीत के इसबाब भी हर दौर में बदलते रहते हैं बदलते रहते हैं तो जिस जमाने में जो सबब मासीत बने उस सबब का मासीत का मौकूफ़ले होने की वजह से हराम होना साबित हो जाता है इसलिए उससे बचने की कोशिश करो आफातुल्लिसान है पहले आपस में बैठ के बातें करते थे अब फोन पे बातें करते हैं अब फ़ोन आ गया किसी से कैसे हो भाई अच्छे हैं खैर खैरियत सब ठीक ठाक कोई ज़रूरी बात कोई ख़ास बात नहीं कोई ख़ास बात नहीं अल्लाह तुम्हारा भला करे अल्लाह खुश रखे बस ख़त्म बात ख़त्म हो गई अगर और अगर बातें करते रहोगे तो आप किसी वक्त नोट करके देखो कि हमारी गुफ्तगु के तूलानी में हमारे गुफ्तु के बढ़ जाने में झूठ गिबत बहतान किसी की हकारत किसी का मज़ाक उड़ाना इसके अलावा और क्या बढ़ेगा हमारी गुफ्तु में यही सब बढ़ता रहेगा अब पहले ही अपने गुनाहों का पुलंदा इतना है कि उठाने की ताकत नहीं और उसमें इजाफा ही करते जाओ इजाफा ही करते जाओ क्या फ़ायदा है इसलिए गुफ्तु मुख्तसर होनी चाहिए और जो अहल इल्म हैं, उनको भी गुफ्तु मुख्तसर करना चाहिए क्योंकि जहाँ इल्म में गहराई होती है गुफ्तु कम होती है जहां सतही होता है तो गुफ्तु ज्यादा होती है यह माहरीन का कहना है बहुत बोलना अलामत इस बात की है कि इल्म कम है और कम बोलना इस बात की अलामत है कि इल्म का समंदर है अंदर और मिसाल दी है कि जहां समंदर गहरा होता है आवाज नहीं आती दिल और जहां समंदर उथल होता है इतना शोर के कान पड़ी बात भी नहीं सुन सकते तो इल्म में सतहियत ज़्यादा बुलाती है आदमी से और इल्म की गहराई इसी वजह से बड़े बड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते बस ज़रूरत पर बात करते हैं और उसके बाद खामोश रहते हैं और सबसे बड़ा आलिम कौन है इस कायनात में अल्लाह के बाद सैदा मोहम्मद रसूल सल्ला वम तो इल्म ती तोीन वाल आखरीन अवलिन आखरीन का जिसे इल्म दिया गया था और देने के बाद करब इल्मा कहा था और जब खुद मालिक ने उनसे कहा था कि मुझसे ज्यादत ये इल्म मांगो और वो मांगते थे तो देता भी चला जाता था तो हर रोज नहीं हर लम्हा उनके इल्म में इजाफा होता चला जाता था उतना बड़ा इल का लाम तनाही समंदर काना रसूल अल्लाह वसलम तवील समी अल्लाह के रसूल बहुत ज़्यादा चुप रहने वाले थे बतब हैच मज़मू बे जलब बस्तन नवी आयत खामोशी मानदारत के दरगुफ्तन नवी आयत खामोशी में इतना फ़ायदे हैं इतना सबक है इतनी इबरत है कि बोलने में तो उतना नफ़ा नहीं एक दिन हज़रत शाह वसी साहमत ला मजलिस में आए रोज़ असर के बाद मजलिस होती थी मजलिस में तीफ़ तो लाए और आके बैठे रहे कुछ भी नहीं बोला रोज़ बोलते थे किताबें रखी रहती थी एक एक किताब निकाल के सुनाते रहते थे अबड़े जलाली बुजुर्ग थे एक दिन आए खामोश बैठे रहे खामोश बैठे सब लोग खामोश बैठे रहे वो भी खामोश बैठे रहे आखिर में मगरिब का वक्त होने लगा तो फरमाया कि कुछ समझ में आया आप लोगों को तो लोग हैरान थे तो सब वो खामोशी बैठे रहे। फरमाया जिसने हमारे सुकूत से कुछ नहीं सीखा वो हमारे कौल से भी कुछ नहीं सीखेगा तो ये है कभी सिखाया कि सुकूत बहुत बड़ी नेमत है सुकूत में देखो क्या मिला था सब लोग तदब्बर के दरिया में डूब गए थे क्या बात है भी हजरत कुछ नहीं बोल रहे और जब सोचना शुरू किया तो बहुत सी चीज़ें समझ में आने लगी हो बहुत सी रोशनियाँ दिमाग में आने लगी हो बातें समझ में आने लगी कभी कोई खलबत में बैठ के देखे सूफिया खलबत में इसीलिए बिठाते थे कि अकेले हो खामोश रहो तीन साल अल्लाह के नबी किसी से नहीं बोले बोलेगा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर बुलाया तो अपने ही से बोलना शुरू अल्लाह ही से हम कलाम हो गए उसके बाद फरिश्तों से बात कर रहे हैं अल्लाह से बात कर रहे हैं तीन साल किसी से नहीं बात की ये बहुत बोल के तो हम अपने दिल को उजाड़ लेते हैं ना बोलो हकीमत हजरत थानवी रहमतल्ला से पूछा गया कि हजरत खैर की गुफ्तु से भी नुकसान होता है क्या तो फरमाया खैर की गुफ्तगु भी ज्यादा हो जाए तो नुकसान ही ये नहीं तो नुकसान की बात मत करो आफातुल लिसान ये भी अलादा से चूंकि इमाम गजाली ने इस इसवान के तहत में 20 आफतें मुस्तिल लिखी थी तो ये चूँकि हमारे नंबर लंबे हो जा रहे थे तो आफातलिससान अलग कर दिया गया जबान की बीस आफतें छोटा सा रिसाला है जिन लोगों ने नहीं लिया उन्हें लो ले लेना चाहिए और उर्दू ख़ुद को नहीं आती तो उर्दू वाले से सुनना चाहिए और उसकी तालीम होनी चाहिए ताकि पता तो चले कि वह बीस आफतें हमारे अंदर हैं ये सब जो सुनाया जाता है छपाया जाता है ये सिर्फ मालूम बढ़ाने के लिए नहीं है जायज़ा लेते रहो कि इन आफतों में से कितनी आफतें अभी तक बाकी हैं और वो कैसे ख़त्म होंगी इसकी फ़िक्र करके वो बीस की बीस निकल जानी चाहिए ज़िंदगी से इन तज तलीबो कबा इराम हमन नकफिर कुम सै आतकुमत करीमा हम इज्ज़त के घर में यानी जन्नत में दाखिल करेंगे उनको जो कबायर से बचेंगे सैत को वैसे मैं माफ़ कर दूँ लेकिन कबायर से बचना होगा और ये बीस आफतें उनमें की अक्सर कबीरा गुनाह तो उन कबीरा गुनाहों से हम निकले कि नहीं निकले जानकारी काहे के वास्ते है भाई जानकारी इसलिए कि खिलाफ कानून का इरतक ना हो एफआईआर दर्ज ना हो केस ना बन जाए अदालत के चक्कर ना काटने पड़े फिर जेलखाना ना जाना पड़े इसीलिए तो मालूम हैं अगर ये मालूम से कोई हमको फायदा नहीं हो रहा तो सब भुगतना पड़ेगा जिससे बचना चाहिए था वो सब भुगतना पड़ेगा नंबर चार अलज़ोलगज़ब गुस्सा और तेजी गैज गज़ब उसी को कहते हैं गैज की हकीकत है किसी नागवार बात को सुनकर या किसी नागवार मंजर को देख कर तबीयत के अंदर जोश पैदा होना और खून का गर्म हो जाना खून खोलना उर्दू में बोलते हैं आप बहुत गु़स्से में मेरा खून खोल रहा मेरा खून मत खोलाओ तो वो क्या मतलब है ग़ुस्सा गुस्सा है ये खून खोलता है इतना गर्म हो जाता है खून कि फिर वो जिस आ, हरारत की जिस मैार पर रहना चाहिए उससे ज़्यादा भी हो जाए उससे कम भी हो जाए तो कहा जाता है सेहत खराब होगी सेहत खराब हो जाती है आदमी अगर जिसम में जो खून हमारा दौड़ रहा है ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो भी नुकसान ज़्यादा पतला हो जाए तो भी नुकसान जितना गाढ़ा रहना चाहिए उतना ही रहना चाहिए ज़्यादा गर्म हो जाए तो नुकसान ठंडा पड़ जाए तो नुकसान जितनी हरारत होनी चाहिए उतना ही उसके अंदर रहना चाहिए इसी तरीके से ये जब हमको गु़स्सा आता है और अगर हमने गुस्से को काबू में करने का कोई तरीका इख्तियार नहीं किया फौरी तौर पर हल नहीं निकाला तो फिर वो गुस्से में खून की हरारत बढ़ जाने से दिमाग पर असर होता है जिस्मानी तौर पर भी, भी फिज़िकली उसकी शराइन फट सकती है और फटती है गुस्से में बहुत से लोगों की और जब दिमाग आउट हो गया तो दीन के खिलाफ भी होता है इस वजह से उससे नुकसान पैदा होते हैं इमाम गजाली फरमाते हैं आगे जो बग्ज़ हसद है शह और बखल है किब्र औरब है ये सब के सब गुस्से से पैदा होते हैं वो असल है और ये उसके बच्चे ना, नात नवासे हैं उसकी असल है ग़ुस्सा गुस्से ही से हसद गुस्से ही से बज़ गुस्से ही से इनात गुस्से ही से बखल भी बनता है। सब उसी से पैदा होते हैं लिहाजा ये बड़ा अहम मर्ज़ है इस अहम मर्ज़ की तरफ हमें तोज्जो करना चाहिए बहुत से लोगों को गुस्सा बहुत है किस चीज़ का गुस्सा भाई क्या तुम इंसान नहीं हो तुम चीता हो क्या तुम शेर हो क्या अगर कोई शेर भी हो तो हमसे अफजल तो नहीं है शेर अफजल तो हम इंसान ही हैं शरफुल मखलूक हैं अब शेर हमसे अफजल थोड़ी है उसको गुस्सा आता, आता, आता है आपको गु़स्सा आता है हाथी को गुस्सा आता है ऊंट को गुस्सा आता है और इंसान को भी ऐसे ही गु़स्सा आ जाए वह उन लोगों को भी गु़स्सा आता है जानवरों को भी ग़ुस्सा आता है पर गुस्सा आ जाए तो गु़स्से पे कंट्रोल इसलिए नहीं कर सकते कि अल्लाह ने उनको अक्ल और इल्म से नहीं नवाजा है आपको भी ग़ुस्सा आता है लेकिन आप बासानी कंट्रोल कर सकते हैं कि अल्लाह ने आपको अक्ल भी दी है इल्म शरीयत दिया है इल्म नबूवत दिया है अल्लाह ने आपको आप उसकी रोशनी में कंट्रोल कर ले सकते हैं आपको मालूम है कि ये बुरी चीज़ है बुरी चीज़ है मुझे नहीं करना चाहिए गुस्सा ख़त्म बड़ा मसला नहीं है बड़े बड़े गजबनाक लोग अलहमदिल्ला अहलुल्ला की सहबत की बरकत से ऐसे मुतमिल मिजाज बन गए कि दुनिया हैरान है लोग कहते थे इनका गुस्सा इनका गुस्सा तो सारे घर में फसाद हो गया खानदान टूट गया मस्जिद में सब मुसलियों से झगड़े हो गए महल्ले वाला कोई राजी नहीं खुश नहीं उस गुस्से से सब जगह तबाही आई लेकिन फिर अल्लाह पाक ने तोफी कता फरमाई अल्लाह के नेक बंदों से मुतल हुए अल्लाह की बातें नबी की बातें सामने आईं तसर और शहबत में यह है कि आदमी देख सकता है कि जो हमारा सामने वाला है वो इस मौके पर कैसे गु़स्से से बच गया है या गुस्सा आना चाहिए था वो कैसे बच गया या आ गया था तो उस गुस्से को कैसे ख़त्म कर लिया तो आदमी आँखों से देख के भी सीखता है कानों से सुन के भी सीखता है ज़्यादा फ़ायदा देख के होता है इसीलिए सहाबा की फ़जीलत है कि उनको सहबत मिली है नबी की और हमको इल्म मिला है नबी का हम इल्म से उस मरतबे पर नहीं पहुँच सकते जो सहबत से सहबा कराम पहुँच चुके थे कि नबी को उस दीन पे चलता हुआ आँखों से देखा था उनके लिए वैसा बन जाना आसान हो गया था और वो वैसे बन गए थे इसी वजह से उनकी सिफत में मौलाना और हाफिज़ कारी अशरा सबा अशरा के कारी अफला फल फ कोई सिफत सहाबागी हमारे सामने नहीं आती जब भी उनकी फीलत आई है मिनस हो वही वो सहाबी होने की हैसियत से आई है बस और इसके बाद उनको ज़रूरत भी नहीं है कि और कमालात इनके साथ जोड़े जाएं। यह कमाल सब कमालात पे गाब आ गया ये तो गुस्से को ख़त्म करो भाई गुस्से के वास्ते क्या है क्यों गुस्सा क्या तुम खुदा हो तुम खुदा हो खुदा को आना चाहिए गुस्सा लेकिन वो भी इल्म से काम लेता है और तुम तो खुदा भी नहीं हो तो तुम्हारे कहा को इतना गुस्सा आ रहा है और क्यों इलम से काम नहीं ले सकते क्यों गुस्से के बावजूद इन रहमती सबक़त गज़बी यकीन मेरी रहमत मेरे गु़स्से पर गालिब है हालांकि अल्लाह की रहमत भी हंड्रेड परसेंट है और अल्लाह का गजब भी हंड्रेड परसेंट है इसलिए कि अल्लाह का कोई सिफत कम नहीं है कोई सिफत ज़्यादा नहीं है हर सिफत अल्लाह की उसकी शान के मुताबिक जैसे वो सबसे बड़ा उसकी सिफतें भी सबसे बड़ी अब उसका गुस्सा इस पूरी कायनात को खा जा सकता है लेकिन वो कह रहा है कि रहमती सबक़त गज़बी मेरा गुस्सा तो बहुत ख़तरनाक है लेकिन मैंने रहमत को आगे कर दिया है और उससे पीछे कर दिया है ये क्यों फरमाया बल्कि कहा जाता है कि अल्लाह के अरश पर लिखा हुआ देखा इन रहमती सबक़त गज़बी मेरी अल्लाह अल्ला की सिफतों से अपनी सिफात बनाओ अल्लाह की सिफत यह है कि भरपूर गुस्से के साथ इस्तेमाल नहीं करता है रहमत का इस्तेमाल करता है शफकत का इस्तेमाल करता है तुम्हारे अंदर भी भरपूर गुस्सा होना तुम्हारे इंसानी कमाल की अलामत है लेकिन तुम उसको इस्तेमाल ऐसे ही मत करो जैसे अल्लाह ताला नहीं करता है जैसे नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते उस आया है हुजूर अली सलाम को कई बातें हैं गुस्सा आया है कल मैं सबक पढ़ा रहा था बुखारी शरीफ का इमाम बुखारी ने किताबुल इल्म में यह भी लाया है उस तास को भी आना चाहिए गुस्सा आया कैसे आया है हदी पढ़ो तो समझ में आता कहाँ आया है ऐसे मौके पे आया है हज़रत अनस रजी अल्लाह तु फरमाते हैं दस बरस मैंने नबी पाक पाकल्लम की खिदमत की है नौ साल की उम्र में उनकी वालदा ने लाकर हवाले कर दिया था उम्म रज़ी अल्लाह ने कि यार ये या बच्चे को अपने घर में रखिए या आपकी सोहबत में तरबियत पाएगा इससे काम लीजिए खिदमत लीजिए नौ साल की उम्र में ला छोड़ा था जब हजूर की वफात हुई तो वह उन्नीस साल के थे। हजरत अनस रजी अल्लाह तब से ज़्यादा औलाद वालेबी सबसे ज़्यादा मालदार साहबी और सबसे ज्यादा उम्र पाने वाले हजरत अनस रजी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने दस साल नबी की खिदमत की है कभी जती रंजिश के बारे में मुझसे ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों नहीं किया बस जो नसीहत करनी थी वो नसीहत कर दी गुस्सा नहीं हुए कभी मेरे ऊपर दस साल में गुस्सा नहीं देखा मैं हजूर आल गुस्से की बात पर भी आपने नसीहत फरमा दी तब भी फरमा दी हाँ अगर अल्लाह के दीन में कोताही करता तो जरूर नाराज़ होते थे ज़रूर खबर तो वो खफा होना भी कैसा था कि हाथ चला दिया जबान चला दी किसी ने हमारे नबी की जुबान से कोई गैर शरीफाना कलिमा नहीं सुना किसी ने नहीं सुना हजूर सलाम की जुबान से कितने भी गुस्से में बोले हैं तालीम के साथ और तरबियत के साथ बोले हैंजूराम उसी बाप के तहत तीन हदीसें नकल की इमाम बुखारी ने गुस्सा आने की हर गुस्से का वो मौका है जहाँ उनकी ज़ात का उससे कोई ताल्लुक नहीं उनके अदब का को कोई ताल्लुक नहीं उससे किसी चीज शख्सी मसला कहीं भी नहीं है जहाँ भी आपका गुस्सा आया है अल्लाह के दीन के बारे में गुस्सा आया है अल्लाह के दीन के बारे में फिर वह गुस्सा आया तो क्या हुआ हजरत उमर रजी अल्लाह तु कहते हैं कि एक दफ़े ऐसे गुस्सा आया था तो मेरी नज़र पड़ गई और मैं समझ गया कि चेहरा सुरख हो रहा है और ये गजब की आलामत मैंने हजूर आलम के सामने अरस किया इन्ना नतुबिल्लाजा वजल अल्लाह के रसूल हम सब अल्लाह से तोबा करते हैं जो गुस्ताखी हो गई है उससे माफ़ी चाहते हैं हम सब हम सब लोग अल्लाह के अल्लाह से तोबा करते हैं इन्ना नतुबिल्लाज वजल तो हजूर आलम का गुस्सा उतर गया चलो तोबा कर ली इन लोगों ने ख़त्म गुस्सा गु़स्सा उतर गया एक मरतबा बहुत खफा नाराज़ हुए हज़रत उमर कहते हैं दो जानों सामने बैठ गया और कहता रहा रज़ी तो बिल्ला रब बिल दीन दीनऊब मोहम्मद नबिया ये मैं कहता रहा और आपका गुस्सा उतरता रहा फिर ख़त्म हो गया फिर आप नॉर्मल हो गुस्सा आया तो क्या किया अल्लाह के नबी ने बदकलामी बदजबानी नज़ज़ बिल्लाक या दस दराजी सितम गुस्सा आया बीओ को थप्पड़ मार दिया गुस्सा आया बेटे को तमाचा रसीद कर दिया ये देखा ही नहीं कि इससे उसको कितनी जिस्मानी अजियत तो तकलीफ हुई क्या देने का आपको हक़ है इतनी इतनी अजियत देने का हक़ है औलाद को औलाद अमानत है अल्लाह ताला की आप कौन हैं आप उनके खुदा हैं आप उनके मालिक हैं इस बच्चे को आपने बनाया है जब आपने नहीं बनाया है तो किसी और ने दिया है जिसने दिया है वो उसकी अमानत है वो कहता है अक्रीम ओलादकुम अपने बच्चों की इज्जत करो उनको जलील रस्वा मत करो गंदी संदी गालियां दे दी तो जलील नहीं होता बच्चा बुरा भला कह देने से उसको तोहिन नहीं महसूस होती अपनी औलाद को जलील मत करो अल्लाह अल्लाह ने इकराम किया है लक़त कर्रम ना बनी आदम नबी फरमा फरमारे अपने बच्चों को मत जलील करो लेकिन हमारी ज़ुबान जलील करें ऐसी बातें कहती है जिन बातों से उनकी आ, उनको दिली तकलीफ होती है ऐसी बातें तो ये हमारे लिए दुरुस्त नहीं है भाई गुस्सा है ये सब गुस्सा है जहाँ जहाँ बदखलाक़ी नजर आ रही है उसके पीछे गुस्सा है गुस्सा ना हो तो आदमी खलूक करीम के साथ रहता है गुस्सा आया तो जानवर बन जाता है फिर इंसान बाकी नहीं रहता इंसान वही है जो कंट्रोल कर सके जो कंट्रोल नहीं कर सके वो इंसान नहीं गुस्सा आना चाहिए गुस्सा नहीं आना इंसानी कमालत में कमी और नक्स है गुस्सा आना और उस पर काबू ना पाना ये भी कमी और नक्स है इसलिए भाई गुस्से पर काबू पाओ वरना फिर दिल ऐसा ही गंदे का गंदा रहेगा अंधेरा ख़त्म नहीं होगा कल्ब का कल्ब का अंधेरा ख़त्म करना है तो गुस्से से बचो गुस्से से बचो नंबर पाँच अलब्जुलहसद बग्ज कहते हैं दिल में किसी की तरफ से मैल पैदा हो जाने जिसको हम अदावत कहते हैं दुश्मनी कहते हैं यह है और बग्ज ही के नतीजे में हसद पैदा होता है तो उसको उसी में मिला दिया हसद किसी अपने को जिसको हम महबूब रखते हैं कोई नेमत मिल जाए तो कभी हसद नहीं होता उस अपने महमूद से अपने महबूब से की नेमतों से हसद नहीं होता लेकिन जिससे हमारे दिल में मैल होता है कीना होता है बौज़ होता है अब अगर उसको माल मिल गया उसको जमाल मिल गया उसको शोहरत मिल गई उसको डिग्री मिल गई उसके बच्चे अच्छा पढ़ लिए उसकी औलाद ने को अच्छी नौकरी मिल गई कारोबार अच्छा चल गया कोई भी दुनिया दीन की चीज़ जब उसको मिलती है जिससे हमारे दिल में मैल है तो हसद पैदा हो जाता है हसद की हकीकत है उसकी नेमत के जायल होने की तमन्ना करना दिल में यह आना कि किसी तरह उसकी यह नेमत छिन जाए तो अच्छा है किसी तरह उसका यह नुकसान हो जाए तो अच्छा है इसका दिल में आना यह हसद है और अगर दिल में ये आए कि अल्लाह पाक आपने उसको ये नेमत दी है मुझे भी अच्छी लग रही है आप मुझे भी तो दे सकते हैं मुझे भी अता फरमा दीजिए तो अपने लिए उसको पसंद करना ये इकतबात और गिपता है जिसको उर्दू में रश्क करना कहते हैं ये जायज़ है, महमूद है ख़ास तौर से दो जगहों पर एक किसी मालदार के दीनी कामों को देख कर और किसी कारी क़र्न याम दीन के इल्म में मशगूल देख कर हमारे दिल में आर्जू होना कि मैं भी ऐसा बन जाऊँ ये तो तरगीब दी गई है कि ये मुनाफसा पैदा करो अपने अंदर ये चीज़ अपने अंदर पैदा करो देखो दीन के मामले में आ, दुनिया के मामले में तो किसी से भी मुकाबला मत करो रज़ी नाकस्मत जब बारीफ़ी ना रहो बस अल्लाह ने जो तय कर दिया हम उससे खुश हैं बस ख़त्म इसी में खुश हैं उसके पास वो है तो वह उसमें खुश रहे हमारे पास ये है तो खुशी हुं। हमें अल्लाह ने दिया है तो हम दिए में खुश हैं और अल्लाह ने हमें महरूम किया है तो हम महरूम ही में खुश हैं हर हाल में राज़ी ब राजा हो तो जीने का मजा है। ये दुनिया में और दीन में क्या करो कि किसी को मद मकबिल बनाओ दीन में किसी अपने से ज्यादा दीनदार को देखो और उसे टारगेट करके कहो कि वो कैसे इतनी दूर चला गया भाई वो पीछे रहेगा मैं आगे जाऊँगा क्योंकि नफसियाती तौर पर जब मदे मुकाबिल नहीं होता तो जह दोमल का जज्बा नहीं पैदा होता इसलिए बनाओ किसी को टारगेट सब इससे आगे जाना है दिन में मुझे इससे ज़्यादा नमाजी बनना है इससे ज़्यादा हिजाबी बनना है इससे ज़्यादा दाई बनना है इससे ज़्यादा ताली बनना है तिलावत करने वाला इससे ज़्यादा कारी बनना है इससे ज़्यादा इससे जो भी अपने शहर में सबसे अच्छा और सबसे मशहूर है उससे आगे मुझे जाना है जब तक कंपटीशन नहीं होता आदमी में जज्बे अमल बेदार नहीं होता इसलिए हुजूर ने फरमाया दीन में अपने से आगे वालों को देखो और दुनिया में अपने से नीचे वालों को देखो ताकि शुक्र अदा होता रहे अल्लाह वो तो इतना मैं मेरे पास तो इतना है माशाल्लाह और बेचारे के पास तो वो भी नहीं है ये नीचे वाले को देखते रहो नीचे वाले शेख सादी रहमत ला फरमाते हैं तीस बरस मुसाफरत में रहे बेचारे अल्लाह ने उनको नबे बरस की उम्र दी तीस साल इम हासिल किया तीस साल सयाहत व सफ़र किया तीस साल दिन की बाकायदा तौर पर तालीम तबलीग फरमाई। तो सयाहत के ज़माने में जब वो मुख्तलिफ इलाक़ों में बुजुर्गों के पास के पास जाते ही रहते थे कहाँ कहाँ गए हिंदुस्तान भी आई घूमते ही रहते थे वो हर जगह तीस साल तक सयाहत के ज़माने में कहीं ऐसा वक्त आया कि उनके पास जूतियाँ टूट गई थी ख़रीदने का इंतज़ाम नहीं था या कहीं मिली नहीं होगी दुकान वकान उस दमान में उस दौर में तो शेख फरमाते हैं ज़मीन बहुत गर्म थी और मुझे कहीं जाना था जा रहा था तो तलवे जल रहे थे और बड़ी तकलीफ़ हो रही थी मैंने अल्लाह ताला से दिल दिल में अर्ज़ किया सोचा अल्लाह पाक इतने मेहरबान हैं रहमान है मैं अल्लाह ही के दीन के लिए फिरता रहता हूँ इतना करता रहता हूँ चप्पल तक मुझे नसीब नहीं है ऐसी शिकायत वाली बात दिल में आई तो शिकायत की तो नहीं अल्लाह से क्योंकि बड़े आलिम थे अल्लाह से शिकायत क्यों करेंगे दिल में बात आती है ना तो ऐसी बात दिल में आई उनके बस शिकायत का तो कहते इतने में मैंने देखा कि एक आदमी सामने से आ रहा था उसके दोनों पैर नहीं थे वो सरक सरक के आ रहा था तो मैंने फौरन शुक्र अदा करना शुरू किया कि ए अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पैर तो हैं इस बेचारे के पैर भी नहीं तो अपने से कम नेमत वाले को देखेंगे तो शुक्र की तोफीक होगी अपने से ज्यादा नेमत वालों को देखोगे तो शिकायत होती रहेगी उम्र भर शिकायत अब मैं बताता रहता हूं चूंकि बड़े आदमी हैं इसलिए हम जल्दी कबूल कर सकते हैं कि इमाम अहमदिन हब्बल रहमुल्लाहद अजीम और फकीह कबीर फरमाते हैं कि मैं पहले मालदारों के घर में रहता था किसी ज़रूरत से मकान मालदारों के मोहल्ले में रहता था किसी ज़रूरत से मकान बेच दिया कुछ कर्जा वर्जा हुआ होगा दे दिया होगा बाकी से ज़रा सस्ता मकान लेना पड़ा तो गरीबों की बस्ती में लेना पड़ा तो फरमाया जब मैं वहाँ रहता था तो हमेशा ना किसी कैफियत रहती थी और जब मैं यहाँ आ गया तो हमेशा शुक्रगुजारी होती थी कोई शिकायत नहीं क्योंकि मैं देखता था कि दूसरे तो मेरे से भी कमतर हालत में बस अल्लाह तेरा करम है अल्लाह तेरा करम है अल्लाह तेरा करम है लेकिन आज हम लोगों को मर्ज हो गया है कि हम हमेशा जब भी नज़र डालेंगे कोई ज्यादा दौलतमंद पे डालेंगे जो ज्यादा मालदार पे डालेंगे उसके पास ऐसी गाड़ी उसके पास ऐसा मकान उसके पास ऐसे कपड़े उसकी ऐसी दुकान उसका ये उसका ये तो हमेशा दिल रोता रहता है कभी अल्लाह से राजी नहीं होता हमेशा रोता रहता है और हरीस और तम्मा बन जाता है दिल हमारा इसलिए हमें अपनी दुनिया के स्टेटस को पर ज़्यादा नज़र नहीं करनी चाहिए जिस हाल में खुदा ने रखा बहुत अच्छा हाल है और दीन में आला से आला दर्जों को देखो और सोचो कि मैं क्यों नहीं यहाँ तक पहुँच सकता मैं क्यों नहीं ऐसा बन सकता मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकता और मुझे भी करना है और मुझे भी ये चीज़ सीखनी है इसमें रहो तो फिर हसद वसद कुछ नहीं होगा नंबर छः अशलबल शुह और बुखल तकरीबन एक ही चीज़ है लेकिन कैफियत के एतबार से तारीफ अलग अलग की गई है बुखल यह है कि आदमी अपना पैसा ना खर्च करे ज़रूरत की जगह पर और शुह यह है कि दूसरे का खर्च होना भी पसंद ना आए कि भाई एक जगह ज़रूरत थी और मैंने उसको पैसा नहीं दिया बुखल की वजह से एक दूसरे साहब ने दे दिया था और इन्होंने भी क्यों दिया वो भी अच्छा ना लगे तो उसको कहते हैं शुह तो बुख्ल भी बदतरीन गुना है और शह उससे बदतरीन है और दोनों ने कुरान में कहा गया का शह है नफसी फलाई का हमलमुफलि जो शख से बचा लिया गया वही फ़लाह पाने वाला है यानी हब माल नहीं है उसको दुनिया की मोहब्बत नहीं है ये भी बुर, बुराई है मजमूम सिफत है इस सिफत को ख़त्म करने से दिल में उजाला आता है इस सिफत के होते हुए दिल में उजाला नहीं आता नंबर सात है तकबर उजब बीनी और खुद पसंदी और सुमा लोगों से तारीफ़ सुनने का शौक़ ना करें तो भी पूछना आज मेरा बयान कैसा रहा तो ये सुना ये अंदर से क़ कि हाँ भाई लोग तारीफ़ कर दें तो अल्लाह का शुक्र बजा लाओ कि भाई लोगों को नफ़ा हुआ अल्लाह का शुक्र अगर अल्लाह तरह ना कहलवाता तो कैसे नफ़ा होता अल्लाह ने चाहा था कि इन बंदों को हिदायत हो इसलिए अल्लाह ने मुझसे ऐसी बात कहलवाई लिहाजा अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने अच्छी बात कहलवाई लेकिन अंदर से तबीयत बेचैन इंतज़ार में है कि मैं नमाज़ पढ़ाया अब उसके बाद किसी से सुनना चाह रहा है कि साहब आपने बहुत अच्छी फिरत की माशाल्लाह बहुत अच्छा जी लगा तो इंतज़ार तो ना हो भाई हाँ कोई कर दे तो नकद नेमत है हाँ ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है कि आप इनकार कर दें और आप कहेंगे नहीं नहीं साहब मैं क्या पढ़ाना ना पढ़ा सकता हूँ क्यों भाई अच्छा पढ़ाया लोग कह रहे हैं अच्छा पढ़ाया अल्लाह का शुक्र है क्यों नेमत की ना शुक्री कर रहे इसे हुजूर अली सलाम ने फरमाया नकद नेमत है नकद बदला है अल्लाह का कि कोई आपको खुश दे पसंद पसंदी कि वो अच्छा काम है नी करता तो आप कोई अच्छा काम करें इंतज़ार मत करो कि मखलूक तारीफ करे और करे तो कोई बात नहीं उसको झुटलाने की भी जरूरत नहीं खाम मखा के तोज़ु की भी जरूरत नहीं वो भी तकबुर है वो भी मत करो कुछ बल्कि कहो कि भाई मेरा तो कोई कमाल नहीं अल्लाह का करम है माशा और ये आपकी खूबी है कि आपको अच्छा लगा बस ख़त्म ये क्या बोलने की ज़रूरत है अरे नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है मैं कुछ भी नहीं हूँ आपको क्या मालूम ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं जो अल्लाह ने तुम्हारा छुपाया है छुपाए रहने दो उसको जाहिर मत करो अल्लाह ने छुपा दिया है तो आप को जाहिर करना चाह रहे हैं कि मैं नहीं हूं बुजुर्ग क्यों बोलना चाह रहे आप अब कुछ मत बोलो या अपना हाल गालिब आ जाए तो बोलो भाई दुआ कर दो अल्लाह आपका हुस्न हुसनजन ऐसे पूरा कर दे ऐसे ही बना दे अल्लाह हमको दुआ कर दो बस लेकिन झुठलाओ क्यों तोफ़ी दे रहा है माशाल्लाह नमाज़ की तोफ़ी दे रहा है वज़ाक़त मसलून रखने की तोफ़ी दिया है अल्लाह ताला कसवे हलाल की तोफ़ी दे रहा है कुरान की इल्म की खिदमत की तोफीक दे रहा है की सहबत की तोफीक दे रहा है क्या क्या नहीं अल्लाह दे रहा है तो ये तोज़ो ववाज़ो कुछ नहीं है यह अल्लाह की नमतों का इनकार है अल्लाह की नमतों का इनकार मत कभी ये मत करो हमसे क्या हमसे क्या है जो अल्लाह ने कराया वो तो है ना उसका तो शुक्र अदा करना है उसका शुक्र अदा करो जो नहीं हो सका उसकी फ़िक्र करो और करेंगे इन इससे अच्छा करेंगे इससे बेहतर करेंगे उम्र भर का लखलखा है कि अपनी दी, दीन को इससे अच्छा बनाओ इससे अच्छा बनाओ कोई दिन नहीं आएगा मौत से पहले कि उससे अच्छा नहीं बन सकता हमारा दीन उससे भी अच्छा बन सकता है उससे भी अच्छा बन सकता तो कभी तकबर ना करें किसी से तकबर की हकीकत है दूसरे को हकीर समझना और उजब की हकीकत है अपने आप को बढ़िया समझना ये भी नहीं करो वो भी नहीं करो दोनों भी नहीं करो बंदे हो बंदगी पर नज़र रखो अल्लाह ताला की नंबर आठ हब्बुल जाहि व शोहरा जाह और शोहरत ये मरतबों और शोहरत की ख्वाहिश उसकी मोहब्बत मशहूर होना चाहते हैं बस अरब अगर आप मशहूर होना चाहते हैं तो अल्लाह को नहीं पाना चाहेंगे अल्लाह को पाना चाहते हैं तो शोहरत नहीं चाहेंगे आप दोनों में से कोई एक चीज़ या खुदा खाही हम या अल्लाह ताला को चाहो या दुनिया दू दु को चाहो और हम खुदा खाही व हम दुनिया दू दु ये नहीं हो सकता शोहरत भी एक दुनिया है क्या करेंगे उसको ले के? हाँ अल्लाह तहरत दे देता है अल्लाह दे देता है जिसमें हमारी तमन्ना का कोई दखल नहीं तो वो भी अल्लाह की एक नामत है वो भी अल्लाह की एक नमत है हजरत इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हमने तो मिटा बैठा था नाम नशा अपना खुदा जाने ये किसने उड़ा दिया शोहरा मेरा हमारा शोहरा किसने उड़ा दिया भाई हम तो अपने को मिटाते ही चले गए थे अपने को छुपाते ही चले गए थे हमने नहीं चाहा था अब खुदा जाने यानी खुदा ही नहीं उड़ा दिया उसका शोहर अल्लाह ने चाहा मेरा ये बंदा मशहूर हो ताकि इस बंदे से लोग करीब हों लोगों को नफ़ा हो और लोगों को फ़ायदा हो, हो। अल्लाह ताला ने चाहा कि मैंने एक हीरा बना दिया है इस हीरे से रोशनी होनी चाहिए ये ऐसे ही रहेगा कीचड़ में पड़ा हुआ तो रोशनी कैसे होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाला हीरा छुपना चाह रहा है अल्लाह ताला निकालना चाह रहा है और वो अपने को छुपाता ही रहा और अल्लाह उसको दुखाता ही रहा यहाँ तक कि दूसरे बंदों को रोशनी मिल गई दूसरे बंदों को अंधेरा खत्म हुआ उस हीरे से इसलिए अगर अल्लाह कर रहा है तो नेमत है उससे घबराओ भी मत और अगर अल्लाह ताला ने नहीं हमारी ख्वाहिश हमारी ख्वाहिश तो ये फिर दिल का अंधेरा है यह मत ही जुल्मत है इस जुलमत से बचो इससे अपने आप को महफूज रखो नंबर नौ हब्ब दुनिया ये दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, स्टेटस का शौक मैं दूसरों से सबसे अच्छा सबसे बढ़िया नहीं अल्लाह दे रहा है थोड़ी सी तदबीर से थोड़ी सी फिक्र से दीन को मुतासर किए बग़ैर आखिरत की फ़िक्रों को मुतािर किए बग़ैर अगर अल्लाह ताला माल दे रहा है ले लो और उस माल से नुकसान नहीं है बस खर्च करते वक्त इस बात को देखो कि अल्लाह की मंशा में खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है बस इसको देख लो और अल्लाह बरकत दे दे कारोबार अच्छे चल जाए नौकरी अच्छी मिल जाए तनख्वाह बड़ी मिल जाए या विरासत में माल मिल जाए और जायदाद मिल जाए कोई बात नहीं ले लो अल्लाह ने दिया है अल्लाह के दिए हुए को ले लो और ले करके उसके सही इस्तेमाल को गौर गौरव फिक्र तदब्बुर से सही इस्तेमाल कर लो माल कोई बुरी चीज़ नहीं लेकिन माल के पीछे ऐसे लगना कि अल्लाह को फरामोश कर दे अल्लाह को भूल जाए तो ये नहीं होना चाहिए ये बुरी चीज़ है इसकी मजम्मत हो रही है हब्बुलमाल हब्बुल दुनिया इसकी मजम्मत हो रही है वरना बबल मन तकल्ला अज्वजल जो अल्लाह अज्जा वजल से डरता है उसको मालदारी कोई नुकसान नहीं पहुँचाती हो जाए अरबपति हो जाए और उससे भी ज़्यादा होता है तो हो जाए दुनिया का सबसे बड़ा मालदार बन जाए मोमिन वली ये कामिल होने में उसको उसकी दुनिया कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएगी बशर्ते कि अल्लाह की आता से मिली हो उसके लिए हमने अल्लाह को नाराज़ न किया तो अल्लाह ताला की नेमत है तो माल से घप ये नहीं मतलब है कि भाई जिसको सूफी बनना है और जिसको वली बनना है उसको दुनिया छोड़ देनी पड़ेगी फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ेंगे मैली टोपी पहननी पड़ेगी टूटी चप्पल पहननी पड़ेगी और लोगों में अपने आप को काबिल मलामत और जलील और रसुआ करना पड़ेगा तो तोबा तोबा ऐसा तो अल्लाह चाहते ही नहीं अल्लाह किसी बंदे को रसुआ करना नहीं चाहते को, कोई खुद ही कर ले रहा है तो अलग बात है अल्लाह नहीं करना चाहते जितना भी अल्लाह ने दिया है उसी में साफ सुथरे रहो पाक पाकिजा रहो अच्छे रहो और, और जो है नफास्त के साथ रहो मेलापन गंदगी फोहड़पन बदसलीकगी बाल किधर जा रहे हैं दाढ़ी किधर जा रही है कपड़े कैसे हैं ये कोई अल्लाह वालापन नहीं है भाई इसको अल्लाह वाले नहीं बोलते नजीफ युहिब्बुन नज़ाफा अल्लाह ताला बहुत सुथरे हैं और सुथराई को पसंद करते सुथरे बनो सुथरे रहो जितने में रहो उतने भी रहो इसमें कॉम्पटिशन मत करो क्योंकि एक आदमी पचास रुपए मीटर वाले कपड़े में भी साफ सुथरा नीट रह सकता है इसके लिए जरूरी नहीं है कि साहब पांच सौ रुपए वाला मीटर कपड़ा होगा तो जब जाके हम साफ रहेंगे भाई हम गरीब आदमी हम कहां से साफ रह सकते हैं तो बेकार बात है एक पांच सौ वाला नहीं हजार रुपए मीटर में भी ऐसा गंदा रहता है कि उसे देख के मिलने को जी नहीं चाह लोगों के पास कितने कितने कीमती गाड़ियों में मैं कभी रईस सेट लोग बुलाते हैं यहाँ से घर ले जाते हैं मेरी गाड़ी में बैठी होते तो बैठ गाड़ी में बैठते बाद वक्त गाड़ी में देखो बिस्किट पड़े हुए चॉकलेट पड़े हुए परियाँ पड़े हुए पूरा कबाड़ खाना बना हुआ है गाड़ी कितने की पचास लाख की गाड़ी पचास लाख की गाड़ी खरीदी है आपने आपको सलीका ही नहीं है आपके तो लायक ही नहीं थी वो गाड़ी इस वास्ते आप उसमें बैठते हैं खा के गिराते हैं उठाते भी नहीं सफाई भी नहीं करते उसमें तो इस गाड़ी में बैठ के लगा और एक साहब की बेचारी की एट हंड्रेड में बैठ के गए साफ़ सुथरी क्लीन बिल्कुल हर वक्त धुली हुई साफ़ सुथरी तो ये तो भाई सीखने की चीज़ है ये माल से कोई ताल्लुक नहीं माल बहुत होगा एक साहब कहते थे कि मैं बीवी से कहता था कि भाई ज़रा घर को साफ सुथरा रखो ये रखो वो रखो तो हमेशा ये जवाब देती थी कि क्या रखना कौन से सामान आए बल्कि हमारे पास क्या है बल्कि हमारे पास इस क्या साफ़ सुथरे रखते हैं। उनको देखो कितने पैसे कमा रहे हैं उनके घर में देखो कैसा सामान है वैसे लोग रह सकते तुम्हारे जैसे उजाड़ लोग क्या रह सकते से? ऐसे बोले हमेशा यही जवाब जवाबी हमला सुनता था जब भी सफाई सुथराई की बात करता तभी तौर पर मुझे पसंद थी मैं चाहता था कि मैं घर में सफाई सुथराई रहे अल्लाह पाक ने हालात बदले और कारोबार बढ़ा और माशाल्लाह से बेपे में अच्छा भी कमाने लगा तो शुरू शादी के ज़माने के मुकाबले में 10-20 बरस के बाद अल्लाह तबारा को तला शाह न बड़े बड़े मालदारों की तरह माल दौलत सामान सोफ़े घर के अंदर हर चीज़ हर नेमत और अच्छा बड़ा घर कुशादा लेकर इसके अंदर तो वो भी वैसे ही पड़ा हुआ रहता था तब तो मैंने एक दिन बहुत हिम्मत करके और बहुत अपने आप को संभाल के उससे कहा कि देखो बेगम उस वक्त भी यही आपका जवाब था और अब भी आपका यही जवाब है हालांकि वो जो जो लोगों की मिसाल आपने मुझे दी थी अल्लाह ने उन सब से ज़्यादा आज हमारे घर में दिया हुआ है लेकिन वो अच्छी तरह अब भी हैं पहले भी थे आप कल भी जो है कुछ न होने का उज्र करते थे आज भी अब तो भाई सफाई सुथराई सलीका स्टेटस मैार शराफत ये तबई चीज़ें हैं इनका सामान से कोई ताल्लुक नहीं सामान को ये साइकिल पे ऐसे बड़े सलीके के लोग नजर आते हैं रोज़ धोते हैं रोज जो है उसको साफ़ करते हैं रोज़ आना जब देखो नीट रहती है और मोटरसाइकिल देखो गंदी पड़ी हुई है वैसे ये चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ ख़ास तौर से सभी को और नौजवानों को बिलखसूस के देखो अपनी दिल में अपनी तबीयत में नफासत होनी चाहिए हमारी तबीयत में नफासत है तो गुरबत में भी आप नफीस और साफ सुथरे क्लिन रहेंगे और अगर नहीं है तो दौलत की हजारों लाखों की चीज़ें घर में आ जाए वो भी कुछ नहीं बाद लोगों के दीवान खानों में जाओ पचास साठ हज़ार की कालीन बिछी हुई है डेढ़ दो लाख रुपये के सोफे पड़े हुए हैं और वह सोफों पर बैठो बैठे बैठे अगर ऐसा हाथ तो इसमें कुछ कंकरे लग के आ रहे हैं इसमें कुछ मिल के आ रहा है इसमें कहाँ तो कहाँ से आ गए भाई इतनी दीवान खाने में है ही नहीं सलीका तो सब आएगा वहाँ पर मकड़ियाँ भी आएंगी वहाँ कचरा भी आएगा वहाँ सब आएगा अपने अंदर सलीका होना चाहिए अपनी तबीयत में क्यों नहीं हुई भाई घर में सफाई तो नहीं वो दो दिन से नौकरानी नहीं आ रही अब नौकरानी नहीं आ रही पूरा किचन पड़ा हुआ है मैला बर्तन पड़े हुए हैं सब गंदे पड़े हुए हैं सब और घर भी झाड़ू भी नहीं हो रही कुछ नहीं हो रही जितना सोना है वहाँ पोच के सो गए और जो खाना है उतना धो लिया वो एक चमचा धो लिया एक चमचा एक प्याली धो ली जो ज़रूरत है बस उतना धो लिया बाकी सब पड़ा हुआ है क्यों नौकरानी नहीं आ रही अगर तुम्हारे तबीयत में सलीका होता एक लम्हा इसको गवारा नहीं कर सकते थे आप फ़ौर उसको तैयार करते साफ़ करते क्लीन करते पोछते जीते कैसे हैं अगर तबीयत में सलीका नहीं कैसे ज़िंदगी गुजारते हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहल्ला फरमाते थे अहलुल्ला ने बास दफ़े अपने हमारे सबक के वास्ते बाज़ बातें नहीं, नहीं बताने की बता दे जी नहीं चाहता बताने फिर भी चलो अपने अपने मुरीदों का फ़ायदा हो जाएगा अपने शागिदों का फ़ायदा हो जाएगा हजरत ने फरमाया कि मुझे खाली रहने से इतनी नफरत है कि कभी जब बैतुलखला में फरागत में तखीर होती तो लोटा माँज लेता हूँ उतनी देर में लोटा रखा हुआ है लोटा मेला होता है कभी धोना पड़ता है तो उतनी देर में लोटा मांज लेता हूँ उसे धो लेता हूँ क्योंकि फ़रागत में तखिर हो रही टाइम ख़राब हो रहा है अल्लाह अकबर ये हमारे बड़े हैं उला फ़जीन भी हैं। कैसे वक्त की हिफाजत करके बता गए और वो बात जो जो छुपाने की थी वो भी बता गए हमारी इबरत के वास्ते हमारे सबक के वास्ते ये तो एक अल्लाह वाले ने सच्ची बात बताई तरबियत के वास्ते वरना मैंने बास दुनिया के इस्कालस के हालात में पढ़ा है के अंग्रेज़ बड़े बड़े और बड़े स्कॉलर्स मशहूर लोग उनके बारे में बड़े बड़े मुसनफ़ी अदीब तो उनका तो हाल ये है कि उनके बाथरूम में उनके बैतुलखला के अंदर जो है इस्टैंड बना हुआ है और अखबार ले जा कर के नौकर वहाँ रख देता है वो बैतुलखला के टाइम में अखबार देख लेते हैं ताकि अखबार देखने का काम यहाँ हो जाए ये बड़े बड़े स्कॉलर्स के बारे में आया है अंग्रेज़ स्कॉलर्स के बारे में क्या टाइम बचाने के वास्ते वो लोग के भाई ये टाइम बाद में पढ़ने लिखने में लगाएंगे ये अखबार देखना भी एक ज़रूरत है जल्दी से यहाँ निपटा दो इतनी देर में वहाँ निपटा लेते ऐसे भी लोग हैं खैर हमें तो अपने अपने बुजुर्गों से मिसाल लेना है अपने बुजुर्गों से वो लोग पढ़ते उड़ते नहीं वहाँ पर पढ़ना वढ़ना अच्छा काम है अच्छा काम बैतुलखला में रसल खाने में नहीं किया जाता उनको उनको दुनिया की समझ तो है दीन की नहीं हमारे अकाबिर को दुनिया की समझ भी है दीन की भी समझ है। ए, दीन की समझ थी कोई ऐसा काम जो वहाँ करना नामुनासिब ना हो ऐसा काम कर लिया मगर टाइम ख़राब होने से बचा लिया ये तबी तौर पर फितरी तौर पर बेकार ना रहने का मिजाज है आज हम लोगों को बेकारी इतनी हो गई है कि अल्लाह की पनाह कितना वक्त हमारे पास ज़ाया हो रहा है इसका कोई फुरसान हाल नहीं अल्लाह ताली हमें इससे बचाए दसवीं बात है अर्रिया उस्म दिखावा और ख़ुद पसंदी इससे भी अपने आप को बचाना चाहिए ये तो मशहूर बात है और उसकी ज़्यादा तफसील की भी ज़रूरत नहीं बारह बज गए और मैं आप लोगों को यह दस बातों का मुजाकरा करना है हमारे इस इसमें इस ये मुजाकरा है ये मुजाकरे ही को ये से रोज़ा इसलाही मजलिस मत समझिए बल्कि ये मुजाक तो या दानी है अब अब आप फिक्रें करते रहें अपने खाली खाली अवकात में आज का पूरा दिन आप लोगों को कल तक इसमें तदब्बर करना है ग़ौर फिक्र करना है कि ये दस बातों से मेरे कलब का क्या तल्लु है है नहीं है या थोड़ी है या ज़्यादा है या बिल्कुल नहीं है या है बावजूद इस में तदबर करो गौर करो और इन दसों बातों के बारे में ये तय कर लेना है कि आज से हमारी ज़िंदगी में हमारा कल्ब इन मजम्मतों से खाली रहेगा और कभी हमारे दिल में हम इन बुराइयों को आने नहीं देंगे इसको कल तक सोचते रहना और ध्यान में बिठाना और जहन में बिठाना और याद हो जाना और कल मैं इस मजमे में से किसी से भी ये दस बातें सुन सकता हूँ ज़बानी सुनाना होगा अल्लाह मुझे आपको सबको तोफ़ी अमल नसीब फरमाए